Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, सो हमारा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर वन का सोल्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक एंड फिजिकल एज वेल। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ, एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर हमें, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है वो हमें बतानी है। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पर सिंपल आप देख रहे हो, यहाँ पर न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन यूरेन 235 पे गया हुआ है, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और जो एक्स यहाँ पर बनता है वो क्या बनेगा, यहाँ पर 236, मास नंबर एक बढ़ जाएगा, यूरेनियम 92 हो जाएगा, तो एक्स जो है आपका वो है, ये सही बात है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता आपका। उसके बाद ये हो क्या रहा है, फिजन हो रहा है यहाँ पर। फिजन जब होता है तो दो न्यूक्लियाई बनते हैं और अप्रॉक्सीमेटली उनका मास नंबर सेम होता है और साथ में न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो इसका मतलब जो ये क्यू है वो न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये भी यहाँ पर बोला हुआ है क्यू इज़ न्यूट्रॉन, ये भी सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, जेड बोल रहा है क्रिप्टॉन है, तो जेड क्रिप्टॉन का जो है ये 36 है ना, जेड अगर क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 36 होता है, तो ये जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर मैच कर रहा है मतलब ये क्रिप्टॉन का ही है, तो जेड जो बन रहा है आपका क्रिप्टॉन ही बन रहा है, बिल्कुल सही बात है ये भी। अब ये गलत है आपका, तो यही आपका आंसर है। अब गलत क्यों है जो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया 235, 236 हो गया, तो मास नंबर आपका 236 टोटल आना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं तो 144 प्लस 89 और यहाँ पर D कर लो आप, तो यहाँ से जब आप D निकालोगे तो वो कितना आएगा भाई, यहाँ से सम करोगे 233 आएगा, तो D आपका 3 आ जाएगा कि यहाँ पर तीन न्यूट्रॉन निकले हैं ना कि चार, तो D आपका 4 नहीं हो सकता भाई, फॉल्स है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म, ओवर एक्टिव थायरॉयड, बेसिकली जो थायरॉयड का हाइपर फॉर्म है या थायरॉयड ज़्यादा इसको हो जाता है वहाँ पर क्या यूज़ किया था, तो आपको पता है थायरॉयड के ट्रीटमेंट में आपका आयोडीन जो होता है 131 आयोडीन का आइसोटोप वो यूज़ किया जाता है। क्लियर? थायरॉयड का रिलेशन बेसिकली आयोडीन से हम देखते हैं, है ना, नमक भी तो आयोडीन युक्त खाते हैं हम ताकि थायरॉयड कंट्रोल में रहे, है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक है। यूरेनियम का 131 जो यूरेनियम नहीं, आयोडीन का जो 131 आइसोटोप होता है वो इसमें यूज़ होता है हाइपर थायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या असर्शन दे रखी है, द एक्चुअल मास ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज डिस्टिंक्टली लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन कंस्टिट्यूइंग इट, बिल्कुल सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, कोई भी न्यूक्लियर ले लो, जैसे 16 ऑक्सीजन 8 यही ले लिया हमने, है ना, यहाँ प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है, ऑक्सीजन का कुछ मास आएगा, तो क्या होता है इसमें बेसिकली हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर हमेशा देखने को मिलता है कि अगर आप न्यूट्रॉन का मास निकालो प्लस प्रोटॉन का मास निकालो उसको सम करोगे तो वो हमेशा क्या आता है, इससे ज़्यादा आएगा इसके मास, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक मास लॉस देखने को मिलता है, है ना, इसको मास डिफेक्ट बोलते हैं, और जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाइंडिंग एनर्जी देता है हमें। क्लियर? बाइंडिंग एनर्जी वहीं से तो आती है कि बाइंड करने में जो एनर्जी आपके रिलीज हो रही है उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है, है ना, ये बात है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो होता है वो ऑलमोस्ट हमेशा ज़्यादा आता है किसके, न्यूक्लियस के मास से, ये बात सही है। तो ये तो सही है, असर्शन जो है यहाँ पर फॉल्स दे रखे, इसको काट दो, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ भी ट्रू। अब बात करते हैं रीज़न की, रीज़न क्या बोला था, एनहाइलेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ मास अकर्स व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, तो एनहाइलेशन मतलब बेसिकली खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, तो मास लॉस बेसिकली उसी की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन कंबाइन करते हैं, बाइंड करते हैं, तो कुछ मास जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में, मास का कन्वर्जन किसमें होता है, एनर्जी में, तो वो तो होता ही है भाई, तभी तो न्यूक्लियस जो होता है फॉर्म हो पाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ कंबाइन कर पाते हैं उस बाइंडिंग एनर्जी, उस मास लॉस की वजह से, तो ये भी ठीक बात है। तो असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी असर्शन की, ठीक है, तो बोथ असर्शन रीज़न ट्रू है और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो सेकेंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर रिएक्शन एक यहाँ पर देखो दे रखा है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम और मिल रहा है आपको हीलियम प्लस न्यूट्रॉन, तो ये जो रिएक्शन होती है फ्यूज़न रिएक्शन का एग्जाम्पल है, फ्यूज़न रिएक्शन का, और जो सन होती है, स्टार्स होती है, उसमें जो एनर्जी बेसिकली हीट प्रोड्यूस होती है वो इन्हीं रिएक्शन की वजह से होती है, सन में जो रिएक्शन होती है वो यही होती है, तो इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब उसने बोला है कि बाइंडिंग एनर्जीज दी हुई है ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और हीलियम की ABC इन मेगा इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, द एनर्जी
इन मेगा एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन. देखो उसने बोल दिया है कि एनर्जी रिलीज बताना है. अब वो मत सोचना कि रिलीज होती नेगेटिव. पहली बात तो न्यूक्लियर में ये आपका ऐसा नहीं होता कि एनर्जी रिलीज हो रही है तो नेगेटिव, इसमें उल्टा होता है. एनर्जी रिलीज हो रही है तो पॉजिटिव जनरली, अगर वो क्यू वैल्यू की बात करें हम. ठीक है, अब यहाँ पर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे. तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, तो अब ध्यान सुनना. जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है. अब ये क्या हो रहा है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी हो कुछ होगी, और जब ये यहाँ पर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. यहाँ पर ये अगर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मैं बता रहा हूँ ना, फ्यूजन हो रहा है. तो इसका मतलब ये जो 4 हीलियम 2 बना है ये आपका स्टेबल है कंपेयर टू इनके. तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी का लॉस हो रहा है और ये बाइंडिंग एनर्जी का गेन हो रहा है. तो जो आपका सी है वो शुड बी ग्रेटर होगा ए प्लस बी से, इतना समझो पहले. सी क्यों बड़ा है कि ये बन रहा है भाई, ये बन रहा है मतलब कि इसमें बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है. भाई जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही क्या होगा, न्यूक्लियस स्टेबल होगा, है ना, ये हम पढ़ते हैं. तो इसका मतलब अगर 4 हीलियम बन रहा है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है इनके सम से ज़्यादा है. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एनर्जी रिलीज निकालनी है. तो जनरली हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देते हैं जब हम न्यूक्लियर की एनर्जी निकाल रहे होते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस की. वो जब हमें मास दिया होता है तब, लेकिन यहाँ पर मास लॉस नहीं दिया, यहाँ पर एनर्जीज दी हुई हैं. अब आप खुद सोचो, देखो ये तो आंसर नहीं है, तीनों की एनर्जी का सम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इनकी बाइंडिंग एनर्जी का लॉस हो जाएगा और इनकी गेन होगा. तो इन ये तो हो नहीं सकता, और ये तो उल्टा पता नहीं क्या दे दिया, इसको बैठा दो. अब इन दोनों में से देखो इसमें क्या किया है, रिएक्टेंट का सम किया है, माइनस कर दिया है इसका, है ना, और इसमें क्या किया है कि जो प्रोडक्ट का है उसमें से माइनस कर दिए इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी. क्लियर, अब इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे ना तो वो सेम आएगा, बस साइन का फर्क आएगा. ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि सी जो है बड़ा है ए प्लस बी से, तो ये वाला हमेशा ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये आएगा पॉजिटिव. अब खुद ही सोचो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, अब उसने एनर्जी रिलीज तो बोल ही दिया है, मतलब वो एक तरह से मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो नेगेटिव वाला क्यों लेंगे हम. बाइंडिंग एनर्जी जो होती है भाई हमेशा पॉजिटिव होती है. नेगेटिव कभी देखी है बाइंडिंग एनर्जी? नहीं देखी ना. और ये रिएक्शन जो होती है स्पॉन्टेनियस है, तो इसलिए आप ये आंसर मार्क नहीं करेंगे. मेरे हिसाब से ये वाला आंसर सही होना चाहिए, फोर्थ वाला, क्योंकि सी आपका बड़ा आ रहा है तो आपका जो ए और बी का लॉस हुआ है बाइंडिंग एनर्जी का, वो सी से हमेशा कम रहेगा, तो कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी आपकी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो. तो फोर्थ शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आइसोटोप यूज इन स्टेरिलाइजेशन ऑफ फूड इज. देखो स्टेरिलाइजेशन जो होता है फूड का, वो बेसिकली क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड में उनको मारने का बेसिकली वो है कि उनको ख़त्म कर दिया जाए. उससे क्या होता है, फूड को ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हो, और उसके लिए यूज़ किया जाता है 60 कोबाल्ट. ये वाला आइसोटोप जो होता है कोबाल्ट का 60, वो आपका यूज़ किया जाता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ फूड. फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको बेसिकली ख़त्म करना, ताकि फूड जो हो ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रहे. ठीक है, तो थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या, आइसो डायफर्स अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन है. तो आइसो डायफर्स क्या होते हैं पहले वो समझो. आइसो डायफर्स जो होते हैं जिनका भाई क्या होता है, एन माइनस पी सेम होता है. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या रहेगा, सेम रहना चाहिए. तो हमें यही चेक करना है. तो अगर मैं फर्स्ट में देखूँ तो कार्बन दे रखा है 12 6, तो यहाँ पर प्रोटोन जो है 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 होंगे, 12 - 6 है ना. तो यहाँ पर न्यूट्रॉन भी 6 हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं, तो यहाँ पर 0 आ गया इनका डिफरेंस. यहाँ देखोगे तो 7 प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन कितने जाएंगे, 15 - 7 दैट इज़ 8. 8 - 7 करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा. तो इनका क्या है, आपका सेम नहीं है n-p, तो ये आपके आइसोडाइफर्स नहीं हो सकते. सेकेंड में देखोगे तो अगेन अब यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, -6 करो इज इक्वल टू 2 आ गया. और यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो आपके 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन, तो 12 - 11 दैट इज़ 1. तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आपका, यहाँ पे भी अलग अलग आ गया. थर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो 12 ही प्रोटॉन्स हैं, 12 ही न्यूट्रॉन होंगे, तो 12 - 12 दैट इज़ 0. और यहाँ पर अभी हमने इसका निकाला था, बनाया था 12 - 11 1, तो ये भी आंसर नहीं. तो आंसर आपका यही होगा, इसको हटाओ. अब यहाँ 4 हीलियम 2 दे रखा है, तो 2 न्यूट्रॉन होंगे, 2 ही प्रोटॉन्स हैं इज इक्वल टू 0. ऐसी ऑक्सीजन में देखोगे तो 8 प्रोटॉन है, 8 ही न्यूट्रॉन है, 16 - 8 होगा, 8 - 8 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो दोनों में ही डिफरेंस जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वो सेम आ रहा है, इस वजह से फोर्थ वाले जो है आइसो डायफर्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन एन एलिमेंट लूजेस 2 अल्फा पार्टिकल 4 बीटा पार्टिकल इट विल जनरेट. क्या होगा भाई देखो, तो ध्यान सुनो. जैसे मान लो एक्स कोई न्यूक्लियाई है, उसका एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है. पहले क्या हो रहा है, मान लो दो अल्फा पार्टिकल हमें वो करवाने, 2 अल्फा पार्टिकल निकाल दो आप यहाँ से. अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम पार्टिकल होता है ना, ये 4 हीलियम 2 यही होता है.
तो अब इसमें से आप अगर दो अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो हमेशा क्या होगा वहाँ पर मास नंबर जो है चार के मल्टीपल में कम होता है, तो दो निकाल रहे हो तो एट जो होगा मास नंबर कम हो जाएगा, है ना, ए माइनस एट कर दो, ये कोई वाई न्यूक्लियस बन गया, और जेड जो होगा वो कम हो जाएगा कितने से, दो से, है ना, दो मतलब एक पर न्यू अल्फा पार्टिकल डिके पे दो कम होता है तो दो पे चार कम हो जाएगा, तो जेड माइनस फोर कर लो। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, फोर बीटा पार्टिकल क्या कर रहे हो, एमिट करवा रहे हो ना, चार बीटा पार्टिकल यहाँ से अगर एमिट हो जाएंगे तो क्या होगा, चार बीटा पार्टिकल अगर निकलते हैं, जब भी बीटा पार्टिकल डिके होता है तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज करता है, तो चार निकल रहे हो, चार से इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक नंबर अगेन जेड हो जाएगा, अगेन ये एक्स न्यूक्लियाई बन जाएगा और मास नंबर अभी भी वही रहेगा। तो अभी इसको और इसको ध्यान से देखो तो ये दूसरे क्या होंगे भाई, अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो ऐसे क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं कि नहीं बोलते, आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर डिफरेंट, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव देयर एटॉमिक रेडाई क्लोजेस्ट टू ईच अदर, तो यहाँ पर देखो डी ब्लॉक के ये एलिमेंट दे रखे हैं और डी ब्लॉक में हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि जो 4D और 5D वाले होते हैं उनका ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है ना, बीच वाले जो ग्रुप्स होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट ना एक्सट्रीम राइट, जो बीच वाले ग्रुप होते हैं है ना, उसमें क्या होता है सिमिलर साइज देखने को मिलता है, ये क्यों देखने को मिलता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, है ना, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है क्योंकि 4F ऑर्बिटल भरे जाते हैं वहाँ पर। तो ये देखो ये जिंक जो है आपका 3D का ही है, ये 4D का, 3D 4D में ऐसा नहीं होता, जिरकोनियम की बात करें तो ये 4D का है और ये 5D का है, तो 4D 5D में होता है, जिरकोनियम हाफनियम तो हम पढ़ते हैं कि इनका सेम साइज ही होता है, तो बी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निकेल अगेन 3D का आ गया, प्लेटिनम 5D का है, तो इनमें भी नहीं होगा ऐसा, और Fe आपका अगेन 3D का आ गया, तो 4D एंड 5D में आपको ऐसा देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्मॉलेस्ट इन साइज, इनमें से कौन सा होगा स्मॉलेस्ट साइज को, तो पहले इनकी पोजीशन लिख लो, यहाँ पर आपका देखो पोटेशियम और कैल्शियम जो सेम पीरियड के हैं, पोटेशियम कैल्शियम आता है, फिर ऐसे रुबिडियम यहाँ पर, यहाँ पर स्ट्रोंशियम आता है। अब आपको पता है जब आप पीरियड टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, साइज इंक्रीज करता है, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, साइज आपका डिक्रीज करता है। तो अब यहाँ से आप देख लो सबसे छोटा कौन सा, इस तरफ आपका साइज डिक्रीज कर रहा है, मतलब ऊपर वाले छोटे हुए, ऊपर वाले में सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये कैल्शियम, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू बी स्मॉलेस्ट इन साइज, तो कैल्शियम आपका आंसर हो जाएगा 1 ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या डेफिनेशन होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसेस आइसोलेटेड एटम, है ना, रिमूव करना है ना, इतनी एनर्जी चाहिए हमें कि जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको हम बिल्कुल रिमूव कर दें उस एटम से, है ना, ये होती है ना आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है इज इन्फ्लुएंस बाय द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, जो भी न्यूक्लियस पर चार्ज हो, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, साइज के, ठीक है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है, हमें कौन सी बतानी, नॉट ट्रू बतानी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड में बोल रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू एन एटम, चलो ठीक है यहाँ तक, तो प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर, नहीं, प्रमोशन नहीं होता भाई, बिल्कुल रिमूव करना है, लोअर एनर्जी लेवल से आपको बिल्कुल ही एकदम इन्फाइनट एनर्जी लेवल पर ले जाना है ताकि वो एटम से चला ही जाए इलेक्ट्रॉन, ये तो सिर्फ ट्रांजिशन हुआ ना लोअर से हायर, ट्रांजिशन थोड़ी होता है, वही क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है एटम से। तो ये वाले जो है गलत है, ये डेफिनेशन नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड की बात करें, नोबल गैसेज ग्रुप हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ग्रुप वन हैज़ लो, बिल्कुल सही बात है, देखो नोबल गैसेज जो होती है ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है ना देना चाहती है, इस वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है, और ग्रुप वन में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन देते ही क्या होता है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेते हैं, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हुआ करती है, तो ये भी सही है आपका, ये भी आंसर नहीं है। फोर्थ में बोल रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, तो देख लो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, तो ये भी सही है भाई, तो ये भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही था। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद सीक्वेंस, इस सीक्वेंस से कौन सी प्रॉपर्टी रिलेटेड होती है? भाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कि वंडर वॉल्स इंट्रैक्शन बढ़ती है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। उसमें तो भाई आयोडीन का सबसे ज्यादा आना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो आपको पता है डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसमें भी आयोडीन का सबसे बड़ा साइज होना चाहिए था, ये भी नहीं है। Cl का कौन सी प्रॉपर्टी Cl की सबसे ज़्यादा होती है? भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, और यही ऑर्डर है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ही ऑर्डर है आपका। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, देन फ्लोरीन का, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन कम क्यों होती है? ड्यू टू वही आपका क्या है, स्मॉल साइज है ना, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो थर्ड इज करेक्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट? तो ग्रुप 13 एलिमेंट में बेसिकली थोड़ी एक्सेप्शंस होते हैं। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज इंक्रीज होगा और आपका आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बोरोन की चलो सबसे ज्यादा, क्योंकि सेकंड पीरियड में आता है, उसके बाद थैलियम की जिसकी सबसे कम होनी चाहिए थी, थैलियम आपका बोरोन से होता है, बस बोरोन से कम होती है अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें। फिर आपका गैलियम आ जाता है, देन आपका एल्यूमिनियम आता है, लास्ट में आपका इंडिया माता। ये आपका क्या है, करेक्ट ऑर्डर है भाई किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, ये ध्यान रखना। कहाँ दे रखा है ऐसा, ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा, वही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन यूरोपियम 3+, है ना, एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको। यूरोपियम 3+ जो होता है भाई F6 कॉन्फिगरेशन, 4F6 कॉन्फिगरेशन का होता है, 4F6 है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैंडफुल फॉलो करना है ना, सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है कि पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके बाद हम पेयरिंग करते हैं, तो पेयरिंग करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर आपके 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन नंबर 1 को मार्क करो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, द मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ डी एक्सजेड ऑर्बिटल ऑफ टू एटम ऑन जेड एक्स, देखिए ध्यान रखना जेड एक्सिस बोला है, तो डी एक्सजेड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, एक्सजेड प्लेन में होंगे, है ना, एक्सजेड प्लेन में होंगे और बिटवीन द एक्सिस होते हैं ये ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये मान लो आपका x एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है, कैसे बनाओगे इसको, है ना, इस तरह से ये बन जाएंगे, ऐसे एक और बना लो, क्योंकि दो ऑर्बिटल ओवरलैप करवाने ना हमें, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, चलो ऐसे बना लो। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, z एक्सिस यही है, अब बोल रहा है जब डी एक्स और एक्सजेड ऑर्बिटल को हमें जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या करना है, ओवरलैप करवाना, तो यही तो जेड एक्सिस है, इनके ही अलॉन्ग ओवरलैप करवा दो, तो ये लोब इससे मिल जाएगी, ये लोब इससे मिल जाएगी, तो एक कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं भाई, चार लोब इन्वॉल्व हैं, दो ओवरलैपिंग जोन है, तो क्या बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है भाई, तो आपका पाई जो है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव द हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो हाईएस्ट जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें ना, तो हमेशा वहाँ पर ये देखोगे जिस जो आयोनाइजेशन पूछ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है, अगर वो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन से निकल रहा है तो वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो नोबल गैस से निकालना पड़ेगा आपको, तो यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे देखो दोनों ही इलेक्ट्रॉन पी से निकल रहे हैं, नोबल गैस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर हाईएस्ट आपको सेकेंड आयोनाइजेशन है ना, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करा तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन देखना है, फर्स्ट की बात करेगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे, क्लियर, तो यहाँ पर सेकेंड सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट पूछ रहा है, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, तो भाई अगर मैं बात करूँ किसकी, हैलोजन्स की बात की जाए, तो वैसे तो साइज पे देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, सबका बॉन्ड ऑर्डर तो वन ही है यहाँ पर, लेकिन जितना छोटा एलिमेंट होगा उतना छोटा बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगनी चाहिए, तो F2 की वैसे तो होनी चाहिए थी क्या ज़्यादा, लेकिन ऐसा होता नहीं, F2 में इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ये जल्दी टूट जाता है, तो यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा भाई Cl2 का होता है, फिर आपका Br2 का होता है, फिर आपका F2 का आता है, और फिर आपका क्या आता है, I2 का आता है, ठीक है, ये आपका करेक्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या है ऑर्डर है, तो Cl2 का भाई सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शोन एटॉमिक नंबर बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो अगर आपने ढंग से पीरियडिक टेबल देखी है तो आपको पता है जो फर्स्ट पीरियड होता है वहाँ पर दो एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड में आपके 8 एलिमेंट आते हैं,
थर्ड पीरियड में फिर से 8 एलिमेंट आते हैं और फोर्थ पीरियड में फिर आपके 18 आते हैं। तो बस इतने में क्वेश्चन हो जाएगा, आपको फिफ्थ में जाने की जरूरत नहीं, फिफ्थ में भी 18 ही आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2, तो जो 1 और 2 है वो सेम पीरियड में आएंगे, फिर 3 से लेकर 8 तक सेम पीरियड में आएंगे, 3 से लेकर 10 तक, 2 + 8 10 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 10 + 8 18 एलिमेंट होंगे, तो यहाँ से 11 से लेकर आपके 18 तक क्या होंगे, किसमें, सेम पीरियड में आएंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 16 से 35 दे रखा, तो यहाँ पर अगेन देखोगे 36, तो यहाँ पर 19 से लेकर 36 सेम पीरियड में आएंगे, ठीक है। इतने में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो 16 से 35, 16 तो भाई आपका थर्ड पीरियड में आ रहा था और 35 आपका फोर्थ पीरियड में आएगा, तो ये तो सेम नहीं है। यहाँ देखो 19 और 38, 19 आपका ये है और 38 आपका जो आएगा वो नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड में आएगा, तो ये आपका फिफ्थ का एलिमेंट है और ये आपका फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ये भी सही नहीं है। यहाँ देखो 12 से 17, तो 12 जो है आपका वो इस रेंज में आ रहा है और आपका 17 भी इसी रेंज में आ रहा है, तो ये तो सेम आपके पीरियड के हो गए, दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। 12 किसका एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम, और 17 किसका होता है, क्लोरीन। क्लोरीन और मैग्नीशियम सेम पीरियड में आते हैं, थर्ड सही है, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडियम इज। देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर वगैरह नहीं पता है तो आप यूज़ करोगे क्या, ग्रुप तो पता होता है ना, जैसे आपका यहाँ पर बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है और इंडियम है ना। यहाँ से पचला ये सेकेंड पीरियड का है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है और पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पी ब्लॉक में फिफ्थ पीरियड में याद करो भाई, जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 5s(NS2)NP1, यही तो होती है। तो यहाँ पर अगर ये फिफ्थ पीरियड का है तो 5s2 and 5p1, ये इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और देख लो कहाँ दे रखी, एक ही ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड को मार्क करो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आप बता सकते हो, है ना। बाकी आपका क्रिप्टॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन आपके भरे जाएंगे, वो अलग चीज़ है। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट क्या, हाउ मैनी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन SF4 मॉलिक्यूल। SF4 में कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो नॉन बॉन्डिंग है। अब SF4 कैसे होता है भाई, यहाँ पर 4 तो आपके पास बॉन्ड पेयर हैं प्लस 1 लोन पेयर है ना, सीसॉ शेप का होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और एक होता है इसके पास लोन पेयर, तो ये लोन पेयर है, यही तो नॉन बॉन्डिंग है ना, बाकी तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही नॉन बॉन्डिंग है भाई आपका। तो हमें इलेक्ट्रॉन बताने थे कितने हैं, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट कहता है शेप ऑफ BrF2- मॉलिक्यूल इज। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्टेरिक नंबर निकाल देंगे, तो 7 हो गए ब्रोमीन के, 2 हो गए फ्लोरीन के, मोनोवेलेंट है ना, माइनस चार्ज है तो प्लस 1 करो, डिवाइड बाय यहाँ पे 2 कर दो, 7 + 2 9 + 1 10, 10/2 दैट इज 5 आपकी क्या आ गए, स्टेरिक नंबर आ गया। इसके लिए ज्योमेट्री जो होगी वो TBP होगी, 5 के लिए TBP होती कि नहीं होती ज्योमेट्री। और यहाँ है कितने भाई, 2 ही सराउंडिंग एटम मतलब 2 बॉन्ड पेयर्स और 3 लोन पेयर हैं, तभी तो ये बना होगा 5। 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर आपको भरने TEP ज्योमेट्री में, तो कैसे भरोगे, ब्रोमीन एक्सियल पे फ्लोरीन चली जाएंगी दोनों पोजीशन पे, और इक्विटोरियल पे आपके आ जाएंगे लोन पेयर कुछ इस तरह से। ओवरऑल इस पर डाल दो नेगेटिव चार्ज, तो लोन पेयर काउंट कर रहे हैं शेप में, तो कैसी है, लीनियर शेप होती है इसकी, है ना, लीनियर का है, ऑप्शन नंबर थर्ड को मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट क्या, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT C2 मॉलिक्यूल हैज डैश ड्यू टू 2p ऑर्बिटल ओवरलैप। जो 2p ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं C2 के, वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, क्या बनाएंगे MOT के अकॉर्डिंग। तो MOT के अकॉर्डिंग अगर बनाऊं मैं यहाँ पर डायग्राम, तो इस तरह से होता है, यहाँ पर ये कंबाइन करते हैं 2px 2py, अगर z के अलॉन्ग क्या हो रही है उनकी ओवरलैपिंग हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर पाई बनते हैं, फिर आपका बनता है एक सिग्मा बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर पाई स्टार और ऊपर आपका सिग्मा स्टार, इस तरह से यहाँ पर ओवरलैप होता है। और आप याद करो C2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2p2 होती है, ऐसे में मतलब नहीं है, 2p2 होती है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हो चारों तो यहाँ पे आ जाएंगे आराम से पाई में। तो ये जो भी हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वो क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं भाई, दोनों के दोनों क्या हैं यहाँ पर, पाई बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर 3 जो सही होगा, जो 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं इसमें वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल द लूमो ऑर्बिटल इज। तो B2 का हमें बनाना है, लूमो बताना है, तो हम सिंपल P वाले ही बना देंगे, S से मतलब नहीं है, ठीक है। जब भी आपसे होमो लूमो पूछे तो जो आपका बिल्कुल एक्सपोज ऑर्बिटल हैं, वैलेंशियल ऑर्बिटल हैं, उनको ही कंसिडर करना है, जो ऊपर वाले एनर्जी वाले। तो यहाँ पर ये देखो 2 ऑर्बिटल हो गए पाई के, इसकी 1 होती है, यहाँ पर कॉन्फिग्रेशन क्या होती है, बोरोन की 2p1, फिर आपका एक सिग्मा आ जाएगा,
है ना, पाई वाले नीचे आते हैं, बोरोन कार्बन जो है लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, पाई वाला नीचे आएगा। यहाँ पर आपका क्या आ गया, पाई स्टार, यहाँ पे आ गया सिग्मा स्टार, दो इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2, तो ये तो होमो है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन है, लूमो क्या हुआ, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो आपका ये हो जाएगा जो कि सिग्मा है, सिग्मा 2p है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। लूमो क्या है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि सिग्मा 2p होगा, जो सिग्मा 2p से बनेगा वो करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था, शेप ऑफ क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, इस क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड Cl F3 को बोला जाता है, Cl F3 की शेप क्या होती है, यहाँ पर क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 शेयर कर लिए बचे 4, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे और 3 बॉन्ड पेयर हैं, यही तो होगा। स्टेक नंबर जैसे भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था वैसे भी निकाल सकते हो, 7 + 3 मोनोवेलेंट फ्लोरीन डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर 5 ही तो आ रहा है, 3 + 2 5, तो 5 में आपको क्या वही TBP ज्योमेट्री होगी, और शेप कैसे बनाओगे, Cl फ्लोरीन को अगेन सबसे पहले रखो एक्सियल पे अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, और यहाँ रख दो एक फ्लोरीन इक्विटोरियल पे, और 2 लोन पेयर जो है वो इस तरह से रख दो, तो कैसे शेप है भाई, टी शेप का मॉलिक्यूल होता है, क्लियर, तो ये आपका टी शेप आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या था, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, तो CH4 जो होता है आपको पता है कैसे, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है, तो इस जो टेट्राहेड्रल का MOT बनता है ना आपको वैसे बनाना है, तो यहाँ पर लिगेंड ग्रुप अप्रोच क्या होती है यूज़ की जाती है, तो इसका जो आप बनाओगे तो यहाँ पर आपको होता है कार्बन जो है सेंट्रल एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो आउटर मोशल की 2s2 एंड 2p2 होती है, तो s और p ऑर्बिटल जो होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो s जो होता है यहाँ देखो कार्बन है, और यहाँ पर आपके हैं लिगेंड के ग्रुप ऑर्बिटल्स, ठीक है, यहाँ 4 हाइड्रोजन्स होंगे इसके ऑर्बिटलों में, तो ये आपका जो s होता है टेट्राहेड्रल फील्ड में A1 सिमेट्री का होता है, और जो p वाले होते हैं आपके, ठीक है, वो आपके T2 सिमेट्री के होते हैं, क्लियर होगी बात, और यहाँ पर आपके ये आ गए, तो अगर ये A1 T2 सिमेट्री के हैं और चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कोई है नहीं, तो ये जो लिगेंड के ग्रुप के ऑर्बिटल हैं वो भी सेम सिमेट्री में एडजस्ट कर लेते हैं, A1 + T2 ये भी हो जाएगा, तो पहले क्या होगा भाई, इनका ओवरलैप होगा, यहाँ से एक बन जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड, और फिर इनसे ओवरलैप होगा, ठीक है, यहाँ पर बनेंगे आपके 3 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर ध्यान से इसको सही से बनाओ, 3 ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर क्या बन जाएंगे आपके, ये बन जाएंगे, ऐसे ऊपर आपका चला जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो होगा आपका सबसे ऊपर जाएगा सिग्मा वाला, और इसको हम, और ये वाला जो होगा नीचे आएगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इसका टेट्राहेड्रल में डायग्राम बनता है MOT, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, है ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 आपके, तो यहाँ पर जब आप फिल करोगे तो 1 2 4 बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी तो होंगे ना इनके, क्लियर, तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको टोटल भरने थे, मैंने भर दिए, ये आपका A1 सिमेट्री का होता है, ये आपका T2 सिमेट्री का होता है, ये आपका T2 स्टार हो गया, और ये आपका A1 स्टार हो गया, क्लियर, तो यहाँ पर जो इसका होमो है हमें क्या बताना था, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो तो यही है ना, होमो जो था वो यही है, और होमो किस नेचर का है, यहाँ पर ट्रिपली डीजनरेट, टी का क्या मतलब होता है, ट्रिपली डीजनरेट, क्लियर, होमो जो है ट्रिपली डीजनरेट है, तो यहाँ पर ट्रिपली डीजनरेट एक ही ऑप्शन में, और वो क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड ही तो बना रहे हैं, पाई बॉन्ड तो होता ही नहीं, CH4 में चारों के चारों क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रिपली डीजनरेट एंड सिग्मा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स MA2B2C2, स्टीरियो आइसोमर मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों बताने हैं, तो इसको बनाओ भाई फटाफट, ये सारे के सारे क्या हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो देखो कैसे बना सकते हो इसको, सबसे पहले क्या करो, आप सबको सिस रख दो, ठीक है, सबको सिस रख दो, इस तरह से बनाएंगे हम वरना मिस हो जाएंगे, सबको सिस रखोगे तो ये वाला जो सब सारे सिस है ना जिसमें, इसमें भाई नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, डाल के देख लो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है, नो पियो, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसके 2 बनेंगे, एक ये वाला और एक दूसरा इसका ऑप्टिकली एक्टिव जो मिरर इमेज होगा, फिर अब क्या करो, यहाँ पर आप ट्रांस रखना शुरू करो, पहले ए को ट्रांस रख दो, बी और सी को सिस रखो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑक्टाहेड्रल में अगर 2 सेम लिगेंड अपोजिट आ जाते तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है, वहाँ पर POS रहेगी और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे, तो और कोई आइसोमर नहीं होगा इसका, फिर अभी हमने ए को ट्रांस किया तो हम अब क्या कर सकते हैं, बी को ट्रांस कर सकते हैं,
तो बी को ट्रांस कर दो और ए और सी को आप एज इट इज़ रखो। एक ये बन जाएगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कि बी आपके क्या है ट्रांस में। फिर आप क्या करो, सी को ट्रांस कर दो, है ना, और ए और बी को एज इट इज़ रखो। ऐसे भी कर सकते हो। तो कितने हो गए अभी, एक दो तीन और दो पाँच हो गए। एक और आपका बनेगा कौन सा, जिसमें आप सबको ट्रांस कर दो, सी को भी ट्रांस करो, ए को भी ट्रांस करो और बी को भी ट्रांस करो, ठीक है। एक ये बन जाएगा, तो चार आपके पांच वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और उसमें एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपके टोटल यहाँ पर सिक्स आइसोमर बनेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ आप मार्क करोगे, ठीक है। पांच तो आपको दिख रहे हैं और एक मिरर इमेज वाला जो इसका होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कॉम्प्लेक्स विद रेगुलर ऑक्टाहेड ज्योमेट्रीज। रेगुलर ऑक्टाहेड ज्योमेट्री क्या होती है, जो परफेक्ट ऑक्टाहेड होती है। तो यहाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही क्या है आपका, चार है। कोऑर्डिनेशन नंबर चार में तो ऑक्टाहेड पॉसिबल ही नहीं, छह कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, उसको हटा दो, ये वैसे भी स्क्वायर प्लेनर होता है। यहाँ देखो, ये वैसे JDD का क्वेश्चन है। क्रोमियम जो है यहाँ पर 2+ में है, D4 सिस्टम है ऑक्टाहेड में और हाई स्पिन होगा ये, क्योंकि वाटर वीक लिगेंड है। हाई स्पिन में बनाओगे इसको 1, 2, 3, यहाँ पर T2G, यहाँ AG, चार इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको, इस तरह से फिल करो। तो यहाँ पर आप देखोगे EG जो है एसिमेट्रिकली फिल्ड है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग JTD होगी। तो स्ट्रॉन्ग JTD होगी, टेट्रागोनल इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी होगा यहाँ पर, जिसकी वजह से डिस्टॉर्टेड होगा ये, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखो Mn2+ है, Mn2+ यानी कि D5 सिस्टम, D5 हाई स्पिन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि वाटर वीक लिगेंड होता है। हाई स्पिन D5 में बना दो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, नो JTD, और JTD जब नहीं होगी तो यहाँ पर क्या रहेगा, डिस्टॉर्ट नहीं रहेगा, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड है, यही आपका आंसर है। यहाँ अगेन आपको पता है कॉपर 2+ है, D9 सिस्टम है और स्ट्रॉन्ग JTD का एग्जांपल होता है ये, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, फजांस रूल का क्वेश्चन है। फजांस रूल क्या बोलता है, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट होता है। जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम मेल्टिंग पॉइंट, जितना आयनिक होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आप क्या क्या दे रखा है, NaBr दे रखा है, सेम ब्रोमाइड दे रखे ना, MgBr2 दे रखा है, मेटल अलग है, एनायन तो सेम है, और AlBr3 दे रखा है। तो अगर इस तरफ से इस तरफ जाऊँगा मैं, तो चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ +1 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है केटाइन का, याद करो पॉजिटिव चार्ज अगर केटाइन का बढ़ता है तो वहाँ पर पोलराइजिंग पावर केटाइन की बढ़ती है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन बढ़ता है, और पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा भाई, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा भाई, NaBr का सबसे ज़्यादा, देन ये देख लो ऐसा कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सेकेंड में दे रखा है, करेक्ट है भाई वो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भाई देख लो, हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिससे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, और एक यहाँ पर डोनर जो है इसको दे रहा है ना, तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए ताकि इससे खींच सके इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना सके, बार बार खींचे बार बार, तो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और ये इसको दे देगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो तभी तो बोलते हैं कि जो फ्लोरीन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन, यही स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो यहाँ देखो सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ये नहीं है भाई, वाटर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पाए जाएंगे अगर इनसे कंपेयर करोगे, ये तो बहुत ही वीक बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। तो ए आपका फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट बॉन्ड। अब यहाँ पर ध्यान रखो, इसने बोला है अकॉर्डिंग टू MOT बताना है बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है, है ना, तो MOT बताना है। तो वहाँ पर हम चेक करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इतना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा। F2 में आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, H2 में भी 1 होता है, B2 में भी 1 होता है, इन तीनों का ही बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है भाई, सब में सिंगल बॉन्ड FF, HH और B2 में भी यही होता है, सिर्फ एक एक बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन C2 में भी हमने देखा था, हमने पाई में चार इलेक्ट्रॉन थे और वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में थे। यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आपका 2 आता है, और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। तो MOT के अकॉर्डिंग आपकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो C2 में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट्स लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका एम्बीडेंटेट क्या होना चाहिए, एम्बीडेंटेट
लीगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ कोई दिख रहा है एम्बिएंटेड नहीं है, वाटर और क्लोरीन एम्बिएंटेड नहीं होते, यहाँ पर भी नहीं है। ये देखो भाई NO2 जो होता है वो आपका एम्बिएंटेड होता है, या तो N से बाइंड कर सकता है या तो ONO से भी बाइंड कर सकता है। तो ये एक एम्बिएंटेड है, तो ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाएगा, ये ठीक है। यहाँ आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर आयोनाइजेशन हो सकती है और यहाँ पर हाइड्रेशन हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है। नेक्स्ट देखते नेक्स्ट कहता है इंटेंस पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, क्यों आता है भाई KMnO4 में इंटेंस कलर? तो आपको पता है Mn यहाँ 7+ में होता है, D0 सिस्टम है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लिगेंड टू मेटल चार ट्रांसफर की वजह से यहाँ पर इंटेंस कलर देखने को मिलता है, लिगेंड टू मेटल चार ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहें ऑक्टाहेल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग DeLO4 COCl6 4- नेगेटिव इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स देन द टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग DeLTA4 COCl4 2- नेगेटिव। अगर सब कुछ सेम है, लीगेंड भी, मेटल भी, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी, तो आपका एक बेसिकली क्या होता है डेलो से और डेल्टी में एक रिलेशन होता है ना, डेलो इज इक्वल टू या डेल्टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेलो, मतलब ऑलमोस्ट आधा होता है। आपको ही पता है टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, ऑक्टाहेड्रल में बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई जो ज़्यादा वाला है वो तो आंसर ऐसे नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता, कम ही आएगी। अब कम कितनी आएगी, देखो ऑलमोस्ट हाफ होनी चाहिए, तो हाफ यही आंसर है, बिना सॉल्व किए भी आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। अब 18,000 है यहाँ पर, कैलकुलेट कर लो 4/9 × 18,000 करोगे तो यहाँ से 9 × 2 = 2,000 × 4 = 8,000, तो ये ऐसे भी आ सकता है आपका, तो फोर्थ सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या IUPAC नेम बताना भाई आपको, यहाँ पर IUPAC नेम प्लेटिनम दे रखा, किसी भी कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम बताना। तो क्या करेंगे, लीगेंड से स्टार्ट करते हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अमीन है, क्लोरीन है और नाइट्रो है, तो अमीन को देंगे, तो डाई अमीन पहले आना चाहिए, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, इन दो ऑप्शन को कट कर दो। अब डाई अमीन क्लोरो नाइट्रीटो एन बोला और प्लेटिनेट बोल दिया, यहाँ पर डाई अमीन क्लोरीडो नाइट्रीटो एन प्लेटिनम बोला है, आप तो क्या यूज़ करें? तो भाई जो प्लेटिनेट होता है नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स के लिए यूज होता है, 8 जो लगाते हैं मेटल के आगे वो हम नेगेटिवली चार्ज जब कॉम्प्लेक्स होता है तभी लगाते हैं, न्यूट्रल हो और कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो हम मेटल को एज इट इज लिखते हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो फोर्थ ऑप्शन सही है, 1 सही नहीं है, क्योंकि यहाँ देख लो 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं कॉम्प्लेक्स के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था, कॉम्प्लेक्स Mn6+ एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ ऑरेंज कलर, द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, तो कलर कैसा होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी पढ़ते हैं ना, ऑरेंज अगर इसने एब्जॉर्ब किया तो कौन सा दिखाएगा, तो हम इस व्हील से देखते हैं ये चीज़, है ना, यहाँ पर बना लो इस तरह से विबग्योर वाला व्हील, तो यहाँ पर वी हो गया, बी हो गया, जी वाई ओ आर, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑरेंज के सामने क्या है, ब्लू है, तो अगर किसी ने ऑरेंज एब्जॉर्ब की है तो वो ब्लू दिखाएगा, ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज दिखाएगा, ऐसे ही आपका रेड और ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं और आपका वॉयलेट और येल्लो जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, तो अगर उसने ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया था तो वो ब्लू दिखाएगा, सेकेंड सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इज करेक्ट फॉर ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री किस तरह की होती है भाई, लेट सपोज यहाँ पर कोई सेंट्रल एटम है, ये एक्सियल हो गए और ये आपके इक्विटोरियल बॉन्ड हो गए, इस तरह की होती है कि नहीं, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। देखो भाई ये वाली डायरेक्शन जनरली हम जेड बोलते हैं और इसके अलॉन्ग ही जनरली क्या होते हैं, लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि जेड जो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वो इसी डायरेक्शन में होता है, तो हम बोलते हैं कि जो लिगेंड का अप्रोच है वो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल पे बिल्कुल डायरेक्टली हो रहा है, तो उसकी एनर्जी भाई सबसे ज़्यादा होती है। फिर क्या होता है, ये जो एक्स वाई प्लेन, ये जो है एक्स वाई प्लेन में लिगेंड है, एक्स वाई प्लेन में अगर लिगेंड है तो जो एक्स वाई प्लेन में आपके ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो डी एक्स वाई और आपकी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बराबर आ जाती है, और इनकी ज़्यादा रहती है किससे, फिर उनकी डी एक्स जेड और डी वाई जेड वालों से, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका स्प्लिटिंग का ऑर्डर चलता है, डी जेड स्क्वायर की सबसे ज़्यादा एनर्जी, देन आपका डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और देन आपका डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बाकी इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव द ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। कब होता है ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जब आपके T2g और T2 जो हो एसिमेट्रिकली फिल्ड हो। अब क्योंकि इसने कोई ज्योमेट्री की बात नहीं की है, सिंपल कॉन्फिगरेशन दे रखी है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल की ही बात कर रहा है, तो D7 हाई स्पिन, पहले तो D7 हाई स्पिन यहाँ पर T2g Eg 1 2 3 4 5 6 7, तो है ना T2g एसिमेट्रिकली फिल्ड है, इसका मतलब यहाँ पर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, यही आपका आंसर है। D8 में नहीं होता भाई, D8 में आपका
टोटली सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देख लो सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। T2G आपके क्या है, एसिमेट्रिकली फील्ड नहीं है, इसमें नहीं है। D7 में देख लो, लो स्पिन बोल रहा है। D7 लो स्पिन कैसे बनाओगे, इस तरह से बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1, तो यहाँ पर EG एसिमेट्रिकली फील्ड। और EG एसिमेट्रिकली फील्ड हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में उसका कोई वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। और D4 हाई स्पिन तो आप जानते हो, D4 हाई स्पिन बना लो आप, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर भी EG ही एसिमेट्रिकली फील्ड है, T2G नहीं है, T2G सिमेट्रिकली फील्ड है। क्लियर, तो 1 आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, NiCl4 2- एंड PtCl4 2- आर रिस्पेक्टिवली। तो भाई निकल है यहाँ पर 2+, D8 सिस्टम है, 3D का एलिमेंट है, और क्लोरीन जो होते हैं वीक लीगेंड होते हैं, वीक लीगेंड में पेयरिंग होती नहीं है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है और ये टेट्राहेड्रल होते हैं। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल होता है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग बनाओगे अगर आप, तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, पेयरिंग नहीं होती ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं, तो 2 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं तो इसका मतलब ये पैरा है। और जो PtCl4 की बात करें, तो यहाँ पर Pt2+ है, D8 ये भी है, लेकिन ये 5D का एलिमेंट है भाई, 5D का एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होती है, पेयरिंग होती है, चाहे वीक हो चाहे कोई भी लीगेंड, लीगेंड सारे स्ट्रांग हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो D8 में क्या हो जाएगा, आपका पेयरिंग होगी और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो एक पैरा है, एक डाया है, पैरा डाया ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आगे चलते, नेक्स्ट क्या, इताई डिसीज इज कॉज बाय टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, किस एलिमेंट के द्वारा यहाँ पर इताई डिसीज हुई थी। तो जो इताई डिसीज है, यहाँ पर 1960s में जापान में सबसे पहले रिकॉग्नाइज की थी, बोन्स में बेसिकली क्या होता है, दर्द वगैरह होने लग जाता है बहुत ज़्यादा, वो कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से होता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, अगर वो कैडमियम के एक्सपोजर में आता है, तो उसको कैडमियम पॉइजनिंग हो सकती है और इताई डिसीज हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट है, विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल। भाई नैनो पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन कौन करता है, या तो भाई सरफेस टेक्नोलॉजीज होती है लाइक सेम टेम वगैरह, वरना वहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन सबसे बेस्ट है। भाई कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको पता लगानी है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन बेस्ट टेक्निक होती है, तो नैनो पार्टिकल्स भी कैरेक्टराइज किए जाते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या असर्शन दे रहा है कि टेम हैज हायर रेजोल्यूशन, 0.05 नैनोमीटर तक भी ये देख लेता है, टेम है ना, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर यूज़ किया थी, इनेबलिंग द इट टू कैप्चर फाइन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, टेम बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाली क्या होती है आपकी, एक टेक्निक होती है जिससे आप जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनको आप देख सकते हो ना, बिल्कुल स्मॉल उसमें देखो 0.05 नैनोमीटर्स तक आप देख सकते हो। तो ये सही है, असर्शन सही है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता आपका। रीज़न क्या हो सकता है, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज एज अ स्मॉल डी ब्रोगली वेवलेंथ। बिल्कुल सही बात है, देखो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बीम यूज़ की जाती है बहुत ही हाई एनर्जी वाली होती है, तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। वेवलेंथ कम होने से क्या मतलब है यहाँ पर, कि वो उन चीज़ों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकती है, बेसिकली रेजोनेट कर सकती है जो छोटी हैं बहुत ज़्यादा, है ना। वेवलेंथ कम है तो जितना छोटा वहाँ पर वो होगा उतना, मतलब बेसिकली जितना छोटे छोटी चीज़ें भी क्या कर सकती है, वो आपको टेम के थ्रू दिखा सकती है। तो यही चीज़ तो यूज़ होती है, बीम जो होती है वो जाती है, उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो वो बहुत ही छोटे लेवल पे भी आपको जानकारी दे सकती है। तो ये रीज़न बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ पार्टिकल्स इन नैनो फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू बल्क फेज फॉर मेटल इन सेमीकंडक्टर क्या होती है। अगर लेट सपोज आपने सेम मटेरियल लिया हुआ है और मेटल सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी आपको पता है, उसको अगर आपने नैनो साइज में कर दिया तो क्या होगा, वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो भाई बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं चेंज जाती हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनमें से एक होती है। होता क्या है यहाँ पर, जब आप नैनो साइज में जाते हो तो एक क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट होता है, क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट होता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा छोटे साइज में चले जाते हो तो इलेक्ट्रॉन की रिस्ट्रिक्शन जो हो, मतलब बेसिकली मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मूव, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है ना। जैसे आपको मान लो बल्क फेज में, तो वहाँ पर एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन खुला घूम सकता है, लेकिन नैनो साइज में चले जाओगे तो वहाँ पर क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन पे कुछ मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता और बैंड गैप अल्टीमेटली आपका बढ़ जाता है। बैंड गैप क्या हो जाता है,
इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज होती है, चाहे मेटल की बात करो चाहे सेमीकंडक्टर की बात करो, कि बैंड गैप इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर डिक्रीज जो है वो करेक्ट आंसर है। थर्ड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मेटल इन द नैनो साइज बिकम। जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को नैनो साइज में ले जाओगे ना, तो वो आपका एक सुपर पैरामैग्नेटिक की स्पीशीज की तरह बिहेव करने लगता है। सुपर पैरामैग्नेटिक, अब इसको सुपर पैरामैग्नेटिक क्यों बोला जा रहा है, देखो जो आपके फेरोमैग्नेटिक होते हैं उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो आपका डोमेन्स की वजह से होता है। तो ये जब आपके नैनो साइज में चले जाते हैं तो ये एक सिंगल डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिंगल डोमेन। ठीक है, वो जो इतने सारे डोमेन थे वो छोटे हो के वो एक सिंगल डोमेन की तरह मतलब दिखे जाते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की जनरेट होता है, पैरामैग्नेटिज्म जिसको बोला जाता है, सुपर पैरामैग्नेट। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म में चेंज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, लेकिन सुपर पैरामैग्नेटिक जो है वो राइट टर्म है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या AFM, AFM क्या होता है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। ये जनरली एक सरफेस टेक्निक होती है नैनो पार्टिकल को कैरेक्टराइज करने के लिए। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस बेस पे, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है। एटॉमिक फोर्स, जो फोर्सेस होते हैं बिटवीन द एटम्स, वही यहाँ पर ये सेंस करता है। तो बहुत सारे फोर्सेस कर सकता है, लेकिन उनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो ये वाला है, वंडरवॉल्स फोर्सेस तो हर जगह होते हैं ना, मोस्ट कॉमन। इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, एक जैसे मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फोर्स अगर सरफेस पे अवेलेबल है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स माइक्रोस्कोपी होता है, इसको थोड़ा सा वेरिएट किया जाता है। तो आप मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हो, उसकी हेल्प से आप बता सकते हो। इलेक्ट्रिक अगर फोर्स है वहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हो। वो बेसिकली यहाँ पर एक क्या होती है, एक टिप होती है, टिप को एक बहुत ही शार्प टिप होती है, उसको सरफेस के पास लाया जाता है और उनमें क्या होता है, उनके उसके टिप के एटम और सरफेस के एटम के बीच में इंट्रैक्शन देखी जाती है। तो वंडरवॉल्स इंट्रैक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन है, इसलिए हम ये इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मान लेंगे, इनको नहीं मानेंगे। क्लियर, बाकी फोर्स किसी भी तरह का हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट एसिडिक। तो यहाँ पर कुछ ऑक्साइड दे रखे हैं, उनकी एसिडिटी बतानी है, तो कभी भी एसिडिटी बतानी है ऑक्साइड्स की, तो आप यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करोगे। एसिडिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उतना एसिडिक भी ज़्यादा। तो B2O3 है आपके पास, आपके पास P4O10 है, आपके पास SO3 भी है और आपके पास Cl2O7 है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपका ये +3 में है, यहाँ +5 में, यहाँ +6 में और यहाँ पर +7 में। तो इस तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिटी क्या होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो Cl2O7 जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे भी इसका एसिड क्या होता है, HClO4 होता है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, इन सब की बात करोगे, HClO4 इन सबके एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है, इस वजह से इसका ऑक्साइड भी सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज करेक्ट। चलो देखते हैं, बोथ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम मास। गलत बात, बहुत गलत बात। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है न्यूट्रॉन कंपैरिजन में, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है। फिर बोला मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, ये सही बात है भाई। जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो स्लाइटली, बहुत स्लाइटली प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ इसका 1.0008 के आसपास होता है आई थिंक ये, और इसका 1.0007 के आसपास, इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही कम डिफरेंस होता है, लेकिन हाँ न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यही आपका करेक्ट है। चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज मोर देन दैट ऑफ, बिल्कुल गलत बात है। चार्ज सेम होता है चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज दोनों पे सेम, बस यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो कूलम्ब में सेम होता है। फिर बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मास, तो गलत हो गया ना, सेकेंड और फोर्थ में से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हमें ये पता होना चाहिए। सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक का ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो आपका फिजिकल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हेनरीज लॉ। सो हेनरीज लॉ क्या कहता है, बेसिकली जो आपका पार्शियल प्रेशर है गैस का वो आपका किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू KH इनटू XK। एक्स आपकी सॉल्युबिलिटी बताती है। ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट की एक्वस फेज में।
अब देखो ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी कब वैलिड होगी, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिकॉज एट अ गिवन टेम्परेचर आपके पास KH की वैल्यू होती है, KH आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, KH आपका फंक्शन है टेम्परेचर का, तो अगर आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है एक्सपेरिमेंट का तो KH वेरी करेगा, तो हेनरीज लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। सो मेन कंडीशन क्या है कि जो योर टेम्परेचर इट हैज टू बी कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस की सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है, तो आपका KH की वैल्यू बढ़ती है, सो KH आपका वेरी करेगा, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आएगा, द टेम्परेचर हैज टू बी कॉन्स्टेंट फॉर द एक्सपेरिमेंट। बाकी देखो बाकी ऑप्शंस आपके क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज बाकी तो आपकी कंडीशंस चाहिए, मतलब वो नहीं होना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल्स बोथ इन द गैस फेज एंड द सोल्यूशन फेज मस्ट नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, ये तो रॉन्ग है। आपको पता है से फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूँ तो जो गैस है वो आपके पास इन इक्विलिब्रियम आएगी विद द एक्वस, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेना जिसके लिए स्ट्रिक्टली आपका ये हेनरीज लॉ वैलिड नहीं है, तो आप N2 ले लो, ठीक है, लाइक दिस। तो आप ये वाला सोल्यूशन का इक्विलिब्रियम कंसिडर करते हो ना, गैस की सॉलिबिलिटी का इक्विलिब्रियम, तो मस्ट नॉट बी इन इक्विलिब्रियम तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखो द गैस प्रेशर मस्ट बी हाई, ये गलत है, क्यों, क्योंकि गैस प्रेशर आपका लो होना चाहिए, अगर गैस प्रेशर हाई होगा तो आपकी गैस एक रियल गैस की तरह रहेगी, आइडियल की तरह बिहेव नहीं करेगी, तो उस केस में आपका कॉन्सेप्ट आएगा फ्यूगैसिटी का, राइट right? तो आपको फ्यूगैसिटी पुट करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसके बाद देखो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट मस्ट अकर, नहीं केमिकल रिएक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, तभी आप बोलते हो ना। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया के केस में अमोनिया आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो उस केस में जब भी आपका रिएक्शन हो रहा है गैस का एक्वस के साथ पानी के साथ, तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली आपका हेनरीज लॉ फॉलो नहीं होता, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, तो आपका आंसर आएगा 1। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो पैरेलल पाथ्स आपको दे रखे हैं 2 इन द फॉलोइंग मैनर डिके कर रहा है, ठीक है। सो ए एट लैम्डा 1 रेट कॉन्स्टेंट विल बी बी फॉर्मिंग बी, जिसका रेट कॉन्स्टेंट या डिके कॉन्स्टेंट इतना है। अनदर प्रोसेस जिसमें ए टू बी, वैसे बी नहीं आना चाहिए यहाँ पे, सी आना चाहिए, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है विद द रेट कॉन्स्टेंट दिस, तो आपको एवरेज लाइफ निकालनी है। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब बेसिकली देखो जो आपकी एवरेज लाइफ होती है वो आपके पास क्या होता है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ आपके पास जो ओवरऑल प्रोसेस का डिके कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सो ओवरऑल लैम्डा आपके पास क्या होगा इस प्रोसेस का, आपको पता है पैरेलल पाथ में हम क्या करते हैं, बेसिकली ऐड ऑन कर लेते हैं दोनों को। अब ऐड ऑन भी आप कैसे करोगे, ये वाला स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंसीडर करोगे, सो दिस विल बी लैम्डा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो आंसर निकाला हुआ है उसमें ये 2 कंसीडर नहीं किया हुआ, जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लैम्डा 1 आपका 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 है, यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 है, ये आपका सेकेंड इनवर्स में आएगा, तो टाइम आपका सेकेंड्स में आएगा। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 50 seconds, ठीक है। और अगर आप ये 2 नहीं लेते तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, 52.63 seconds, तो वही आपको आंसर दे रखा है, तो आपका आंसर बी आएगा, सिंस देखो बाकी ऑप्शंस आपके बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस नहीं आएंगे। देखो इस केस में आपके पास जो एवरेज लाइफ आएगी दैट विल बी 1/1.8 × 10⁻², इसमें आप ऐड करोगे 10⁻³ सिंपली, ठीक है, तो उससे आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी दिस। सॉल्व करना ईजी है, जैसे यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं 10⁻²− कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे आएगा 1.8 और यहाँ पे 0.2, सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻²/2, सो दिस विल बी 50 seconds, है ना, तो सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, राइट, तो आपका आंसर आएगा बी। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स आर वीकर देन दोज बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स, देन द सॉल्यूशन क्या शो करेगा, सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास क्या है कि ए और बी की जो आपके पास इंट्रैक्शंस हैं दे आर वीकर इन कंपेरिजन टू ए ए, या फिर बी बी की जो एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज लाइक दिस, तो मतलब क्या है कि अब मॉलिक्यूल्स में जो अनलाइक मॉलिक्यूल्स उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा देन द यूजुअल, तो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे ना, ठीक है। सो बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो ज़्यादा आएगा देन एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट, मतलब पॉजिटिव डेविएशन। चलो डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप between the changes in the chemical potential for the components in a
थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो आपको पूछा हुआ है कौन सी इक्वेशन डिस्क्राइब करती है, जो कौन सी इक्वेशन डिस्क्राइब करती है, गिब्स-ज़ोहम इक्वेशन। गिब्स-ज़ोहम इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, दिस इज बेसिकली अगर आपके पास दो कॉम्पोनेंट्स है वन एंड टू, सो दिस इज एन वन डी म्यू वन प्लस एन टू डी म्यू टू, दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना। चेंज इन केमिकल पोटेंशियल और एन वन और एन टू आपके पास बेसिकली उनकी मोल्स हैं। सो कॉम्पोजिशन को रिलेट करना विद द चेंजेस इन द केमिकल पोटेंशियल, सो आपके पास गिब्स-ज़ोहम इक्वेशन आएगी, ठीक है। बाकी नहीं आएंगी, देखो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, बेसिकली आई एम सेइंग कि ये बोल रहा है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस थी डेल्टा एस, राइट। सिमिलरली गिब्स हेल्मोंट्स इक्वेशन भी नहीं आएगी, वो आपको आगे आंसर आएगा, और वॉन्ट ऑफ इक्वेशन भी नहीं आएगी विच इज पाई इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 4। अ 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, है ना, केन शुगर मतलब सुक्रोज, जिसका मॉलिकुलर वेट कितना है 342 ग्राम पर मोल, वो आइसोटॉनिक है विद द 1% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, तो आपको मॉलिकुलर वेट निकालना है एक्स का, ठीक है। सो आइसोटॉनिक का मतलब जो भी आपके पास शुगर का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक्स के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। अब आपको एक्स के बारे कुछ नहीं दिया होगा, ठीक है ना। सो एक्स को हम क्या कंसिडर करेंगे, इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो जब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आपके पास यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। सो अब आप रिलेट कर लो, सो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर शुगर तो आपकी वैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन टाइम सी आर टी, मतलब यहाँ पे इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर, इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर, यहाँ पे सी आर टी, ठीक है। अब दोनों के वॉन्ट ऑफ फैक्टर आपके 1 है, और आर टी फैक्टर आपका आर टी से कैंसिल आउट कर गया, सिंस एट अ गिवन टेम्परेचर देख रहे हो। सो मतलब इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो इसकी कंसेंट्रेशन के बराबर आएगी। अब देखो कंसेंट्रेशन मीन्स आप मोलारिटी में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, आप वेट बाय वेट परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हो, अब किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो आपके पास 5% है, अज्यूम कि आपके पास यहाँ पे वेट बाय वेट है, ठीक है, जो 5% है, सो मतलब आपके पास 5 ग्राम होगा किसका, केन शुगर का, राइट। सॉरी यहाँ पे बेसिकली अगर मेरे को मोलारिटी में एक्सप्रेस करना है, सॉरी मोलारिटी में ही एक्सप्रेस करूँगा इसको, वेट बाय वेट परसेंटेज को मैं मोलारिटी में एक्सप्रेस करूँगा। सो मोलारिटी आपके पास क्या रहती है, मोलारिटी रहती है जो मोल्स हैं सोल्यूट के डिवाइडेड बाय जो आपके पास वॉल्यूम है सोल्यूशन का इन लीटर्स, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या अज्यूम करूँगा कि मेरे पास जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो सेम है क्योंकि ये सोल्यूट्स हैं, राइट। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 5 ग्राम केन शुगर है, उसके मोल्स कितने आएंगे, 5 / 342 ग्राम पर मोल। सो बेसिकली व्हाट आई विल अज्यूम कि दोनों की मोलारिटी सेम है, सो आई से कि दोनों की मोलारिटी सेम है मींस के दोनों के आपके पास मोल सेम प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स का नंबर सेम प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो आपके पास इसके मोल्स आएंगे 5/342 और इसके मोल्स कितने आएंगे, 1 ग्राम प्रेजेंट है इसका, देखो इसका 1 ग्राम प्रेजेंट है किस में, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, राइट, और इसका 5 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में, मींस कि आपके पास सोल्यूशन का वेट सेम है, दैट इज़ 100 ग्राम, सोल्यूट का अमाउंट डिफरेंट है, तो सोल्यूट के मोल्स डिफरेंट है, तो मोल्स मतलब मोल्स सेम है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो मैं इस तरह रिलेट कर सकता हूँ, सोल्यूट के वेट्स डिफरेंट है बट मोल सेम है, ठीक है। सो 1 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मॉलिकुलर वेट, सो आपका मॉलिकुलर वेट कितना आएगा, 342 / 5, तो आपके पास मोल्स में कितना आएगा, 68.4, ठीक है, मतलब इतना इसका मॉलिकुलर वेट आएगा, कितना, 68.4। चलो द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन टुवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज, देखो अब आपके पास जो ऑस्मोसिस होती है, ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होती है कि आपके पास प्योर सॉल्वेंट वाली साइड से सॉल्यूशन वाली साइड तक आपका सॉल्वेंट मूव करे, राइट, दैट इज ऑस्मोसिस। जो रिवर्स ऑस्मोसिस होती है वो उल्टी होती है, मीन्स कि आपके पास सॉल्यूशन साइड से वो मूव करे टुवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट साइड, ठीक है। और ये कब होता है, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो बाहर से विच इज़ ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपका आंसर क्या आएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो इक्वेशन पाई इक्वल टू सी आर टी इज नोन एज, है ना, सो ऑस्मोटिक प्रेशर पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, सो पाई इक्वल टू सी आर टी, ये बेसिकली क्या होती है, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन होती है फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डायल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, आपको पता है। रॉयल्स लॉ तो ये नहीं है, रॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो आपके पास जो वेपर प्रेशर है पार्शियल वेपर प्रेशर से कंपोनेंट ए का, वो आपके पास क्या आएगा, उसकी मोल फ्रैक्शन टाइम्स प्योर कंपोनेंट का क्या है, ठीक है, वो प्योर होता था। तो ना हेनरीज लॉ की इक्वेशन, हेनरीज लॉ की इक्वेशन होती नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ना, और ये किसके लिए है, वैलिड फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन,
ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये वैलिड है। कंसंट्रेटेड के केस में आपकी इक्वेशन डिफर कर जाती है। इक्वेशन क्या हो जाती है, पाई बाई सी, ये आपकी किसके इक्वल है, आर टी अपॉन एम एन बार, और यहाँ पे आपके पास बी आर टी अपॉन एम एन बार का स्क्वायर, और यहाँ पे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज इन ग्राम पर लीटर। चलो विद द इवेपोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, ये अब थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। बेसिकली देखो, इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, आपका सॉल्वेंट इवेपोरेट कर रहा है, तो आपको पूछा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का उसको क्या होगा। ठीक है, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट तो आपका सेम ही रहेगा ना, बॉइलिंग पॉइंट एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, ठीक है ना। बेसिकली क्या है कि सॉल्यूशन आपका, आप सॉल्यूशन को वेपराइज कर रहे हो, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसको आपको पहुंचाना है टू दी एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को मॉडिफाई करो, या फिर अगर आप सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिक्रीज करो बाय एडिंग सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तब आपका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा ना। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दोगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, राइट, बिकॉज अब आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर प्रेशर रखने के लिए, राइट। और अगर आप वेपर प्रेशर को एट अ गिवन टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे बाय एडिशन ऑफ सम सॉल्यूट, अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तब आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, आपका सॉल्वेंट इवेपोरेट कर रहा है, तो कोई नहीं, इवेपोरेट कर रहा है तो उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, आपको पहुंचाना तो उसको एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही होगा ना, उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। सो मेरे अकॉर्डिंग आपका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहना चाहिए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग सेम रहना चाहिए। देखो यहाँ पे ना बात करी है रेट की, अगर रेट इवेपोरेशन का ज़्यादा होता, ठीक है ना, व्हाट आई एम सेइंग, अगर रेट इवेपोरेशन का ज़्यादा होता तो आप बोलते कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो वीक हैं। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक हैं देन आपका बॉइलिंग पॉइंट वीक होता ना, बट कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज भी बोला हुआ है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक में जाएगा बिकॉज क्वेश्चन पूछने का तरीका सही नहीं है, ठीक है। और अगर मेरे को लगता है अगर इन्होंने पूछ रखा है तो माइट भी ये डिक्रीज करेंगे आंसर, बट कंसेप्चुअली आपका आंसर वन होना चाहिए, ठीक है ना। बट यू मतलब आप कह नहीं सकते इन्होंने डिक्रीज भी कर दिया होगा, मैंने आपको बता दिया किस कॉन्सेप्ट से इन्होंने डिक्रीज किया होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो द यूनिट ऑफ मोलल पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट इज, तो बस आपको बेसिकली के बी के यूनिट्स बताने हैं। सो के बी के यूनिट्स आपके पास क्या होते हैं, केल्विन पर मोलल, मोलल आपके पास क्या होता है, मोल्स पर किलोग्राम, तो आपको करना है उसका इन्वर्स, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, केल्विन मोल इन्वर्स, और यहाँ पे आपके पास किलोग्राम, ठीक है। सो आपका आंसर आएगा 3। Which of the following is not a colligative property? So, बहुत बेसिक है, आपको पता है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी एफ, वो आपके पास colligative प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर आपकी colligative प्रॉपर्टी नहीं है, आर एल वी पी मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स के पी नॉट माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट, ये आपके पास एक colligative प्रॉपर्टी है। ये किसके बराबर होगा, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, सो दिस इज अ colligative प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर एक colligative प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये डेफिनेटली है, पाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आपका डेल्टा डी बी है ये भी है, तो बस यहाँ पे आर एल वी पी आना था, वेपर प्रेशर नहीं आना, तो इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। चलो अ सॉल्यूशन हुज एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू दैट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन विद द सेम कॉम्पोजिशन बट इज नॉन आइडियल ड्यू टू नॉन जीरो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट किसका रहता है, ऑफ अ रेगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। रेगुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जिस केस में आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सेस फंक्शन का, एक्सेस फंक्शन क्या होता है कि आपके पास जो एंट्रोपी है मिक्सिंग की, रियल के केस में क्या है माइनस, अगर मैं उसकी आइडियल एज्यूम करके निकालता तो क्या है, ठीक है। सो ये एक्सेस फंक्शन आपका जीरो रहता है फॉर अ रेगुलर सॉल्यूशन, जिसके कारण क्या रहता है कि ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं, ठीक है। सो मतलब इस केस में आपका जो एंट्रोपी चेंज है ऑन मिक्सिंग वो आपका वही आएगा जो आइडियल का होता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली वही आएगा जो आपका आइडियल का होता है, तो कितना होगा, दैट इज माइनस ऑफ एन टोटल यहाँ पे आर समेशन ऑफ एक्स आई और यहाँ पे एल एन ऑफ एक्स आई, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। और इस केस में आपके पास क्या होता है कि जो एक्सेस फंक्शन होता है एंथैल्पी का, वो आपका बराबर होता है टू दी जो आपके पास एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग आई इन द रियल केस, बिकॉज आपको पता है कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग आपके आइडियल केस के केस में क्या रहती है, जीरो, ठीक है। सो दिस इज जीरो, तो ये आपका इसी के बराबर आता है, राइट, तो वही दिया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ रेगुलर सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड सी वी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ SO3। सो आपका SO3 बना
SO3 आपका कहाँ से बना, फ्रॉम दी SO2 एंड O2. तो यहाँ पे आप हाफ लगाओगे इक्वेशन को बैलेंस आउट करने के लिए. अब देखो, अब CP और CV का डिफरेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल फ्रॉम दिस, इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है ना. ये इसका कोई सेंस नहीं बनता इस क्वेश्चन का. क्यों नहीं बनता? बिकॉज आपको पता है कि जो CP माइनस CV है फॉर अ गैस, फॉर एन आइडियल गैस, वो आपका किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू NR, ठीक है. अब आप अगर आपके पास कुछ ऐसा रिएक्शन है, कोई गैसियस रिएक्शन है, ये होमोजीनियस रिएक्शन है, इसके इसमें आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशनशिप पता है, ठीक है. तो यहाँ पे भी अगेन क्वेश्चन पूछने में गड़बड़ी है. आपको पता है जो डेल्टा एच है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा इन गैसियस आरटी, और जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको लगता है ये निकालना होगा, ये नहीं. बिकॉज देखो, वैसे भी सी पी और सी वी उसके यूनिट्स क्या होते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल, और जो आपको दे रखा है उसके यूनिट्स क्या हैं, उसके यूनिट्स हैं जूल पर मोल, तो वो तो हो ही नहीं सकता डिफरेंस, ठीक है. सो आपको ये पूछा हुआ है, अगर हम सोचें इनडायरेक्टली आपको ये पूछा हुआ है, पर पूछने का तरीका गलत है, क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है. बट नेवरदलेस अगर आपको आंसर करना है तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू, यहाँ पे डेल्टा इन गैसियस क्या आएगा, जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो है वन माइनस जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं, और वो भी गैसियस लेते हैं हम, सो सारे गैसियस ही हैं, तो आपके पास आएगा यहाँ पे माइनस ऑफ वन बाई टू, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाई टू आर टी. तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस किसके इक्वल है, माइनस ऑफ वन बाई टू आर टी के. और वैसे भी देखो, CP बेसिकली किसके साथ रिलेटेड होती है, CP होती है डेल्टा H के साथ रिलेटेड, ठीक है, और जो आपकी CV होती है वो होती है डेल्टा U के साथ रिलेटेड. सो बेसिकली ये पूछ रहा होगा डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, वो आपके क्या आएगी, माइनस ऑफ हाफ RT, ठीक है. चलो, फॉर द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा H, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. तो अब बस आपको स्टेटमेंट टू देखनी है कौन सी है, तो बहुत बेसिक है. अब आपको पता है कि जब आपके पास एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो ना, तो उस केस में आपके पास क्या रहता है, जो क्यू रिवर्सिबल है दैट इज़ ज़ीरो. तो आपके पास जो डेल्टा एस आएगा सिस्टम का, ध्यान से सुनना, सिस्टम का वो आपके पास क्या होता है, दैट इज़ क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी, सो दिस विल बी ज़ीरो, ठीक है. सो अगर मैं बात करूँ फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक चेंज, जो आपका डेल्टा एस है किसका, सिस्टम का, दैट इज़ ज़ीरो. और वहीं अगर मैं इसको इरिवर्सिबल मान के चलूँ, तो इरिवर्सिबल केस में इट इज़ नॉन ज़ीरो, बिकॉज उस केस में आपका जो डेल्टा एस आएगा सिस्टम का वो किसके इक्वल आएगा, सो दैट इज़ ए एन सी वी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज इक्वल टू दिस विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप Q रिवर्सिबल ही पुट करते हो. सो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है. सिमिलरली देखो, अगर आपके पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उस केस में आपकी एंट्रोपी चेंज होती है, एंट्रोपी आपकी बढ़ेगी. एंट्रोपी किस सेंस में बढ़ेगी, डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन, राइट. और अगर आप फेज चेंज की बात कर रहे हो, वहाँ पे भी आपका एंट्रोपी चेंज नॉन जीरो आएगा, बिकॉज उस केस में आप एंट्रोपी चेंज क्या निकालते हो, जो आपका डेल्टा एंथाल्पी चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय जिस टेम्परेचर पे हो रही है, ठीक है. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज वैलिड जब आप एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब वही पिछला वाला क्वेश्चन ही है, बस आपको एक्सप्रेशन पूछ लिया, आइसोथर्मल के केस में व्हेन योर गैस इज अंडरगोइंग अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम पी वन वी वन टू पी टू वी टू, राइट. तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट जो आपका डेल्टा एस है दैट इज आर, सिंस एक मोल लिया होगा, एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन, ठीक है. और अगर मेरे को इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर करना है, तो उस केस में होगा आर एल एन ऑफ P1 by P2, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास नहीं आएगा, सो आपका आंसर आएगा 4, ठीक है. चलो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इक्वेशन इज एप्लीकेबल. अब देखो, ये आपके पास बहुत जनरल इक्वेशन, आपको पता है जो आपकी एंथैल्पी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है. सो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी सी पी, ठीक है, डी टी, और यहाँ पे आपके पास आएगा जो आपका इंटरनल वॉल्यूम होता है, मतलब इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टाइम्स डी पी. ये आपके पास एक जनरल रिलेशनशिप है, ठीक है. अब ये आपका हर केस में वैलिड रहेगा, आइधर आपके पास कॉन्स्टेंट प्रेशर हो, आइधर आपके पास गैस सॉलिड या लिक्विड हो, ठीक है, ये जनरल है, आइधर आपके पास कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन हो. बट जब आपके पास हेट्रोजीनियस सिस्टम है, तब आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है. क्यों? क्योंकि तब केस में क्या होगा, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, जैसे ये यहाँ पे से पार्टिकल्स बहुत पास हैं, राइट, यूनिफॉर्म नहीं है ना, यहाँ पे आपके पार्टिकल्स दूर हैं, यहाँ पे आपके पार्टिकल्स और दूर हैं. सो इस केस में क्या होगा कि हर पार्ट की अपनी हीट कैपेसिटी होगी, ठीक है ना. जैसे इसकी कुछ अपनी हीट कैपेसिटी सी पी वन है, इसकी सी पी टू है, इसकी सी पी थ्री है, बिकॉज सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं है.
सो आप ऐसे डायरेक्टली पूरे सिस्टम की सीपी नहीं निकाल सकते आपको, मतलब डायरेक्ट इस इक्वेशन से, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल आपको सीपीज निकालनी पड़ेगी, देन यू हैव टू ऐड ऑन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास जो सीपी सिस्टम का है दैट इज समेशन सीपी आई, तो आप ये करोगे, ठीक है। सो समेशन ओवर आई, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए बी सी एन ई, ठीक है। होमोजीनियस के लिए एप्लीकेबल है बट हेट्रोजीनियस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलो, विच लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक स्टेट्स दैट नो प्रोसेस इज पॉसिबल, जिसका सोल रिजल्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर रिजर्वॉयर, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, बिकॉज आप हीट को ट्रांसफर कर सकते हो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, बट कोल्ड टू हॉट में हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोल्डर से हॉटर करना पड़ेगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट, और रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट किस में आता है, अंडर सेकेंड लॉ, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए यू नीड सम एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, आपको कुछ वर्क की ज़रूरत है। वर्क की ज़रूरत तभी है बिकॉज ए प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है। चलो, द हीट विच इज़ गिवन टू एन आइडियल गैस ड्यूरिंग द आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज टू, सो बहुत बेसिक है। आपको पता है कि आइडियल गैस के लिए आपका जो डेल यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल वी है एट कॉन्स्टेंट टी, वो आपका जीरो है। सो मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, राइट। सो जितनी भी आप हीट दोगे, सो इस केस में आपका जो डी यू है दैट इज जीरो। सो आपका डी यू किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। सिंस आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं आता फॉर एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, सो जो भी आप हीट दोगे गैस को वो यूज होगी इन डूइंग सम वर्क, राइट। सो आपका आंसर क्या आएगा, इट ओनली डज एक्सटर्नल वर्क। टेम्परेचर तो वैसे नहीं बढ़ना बिकॉज आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब ही है कि टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट है, और इंटरनल एनर्जी भी नहीं बढ़नी बिकॉज आइडियल गैस है। Which equation is used for calculating the enthalpy change for a process or a reaction provided the values of free energy at two different temperatures is known? So, ये आपके पास क्या है? This is your Gibbs-Helmholtz equation. Gibbs-Helmholtz equation क्या कहती है? That जो आपका इसका derivative होगा del G upon del T का with respect to temperature, ठीक है, at constant pressure, ये आपका किसके equal होगा? Minus of del H divided by T square, right? तो आप बेसिकली क्या करते हो, इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म करते हो। तो इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या आएगी, डेल जी टू अपॉन टी टू माइनस डेल जी वन अपॉन टी वन, सो दिस इज इक्वल टू डेल एच, और यहाँ पे आएगा आपका वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन। सो ये इक्वेशन कौन सी होती है, दिस इज योर गिब्स हेलमोल्ट्ज़ इक्वेशन, राइट। तो अगर आपको डेल्टा जी निकालनी है, या अगर आपको एंथाल्पी चेंज निकालना है फॉर दी प्रोसेस, अगर आपको डेल्टा जी दे रखी है टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो आप यहाँ से डेल्टा एच निकाल सकते हो फॉर दी प्रोसेस, ठीक है। तो ये आएगा, इसको बोलते हैं गिब्स हेलमोल्ट्ज़ इक्वेशन। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप। सो देखो, ये तीनों आपके पास मैक्सवेल के रिलेशनशिप्स हैं, दे आर दी करेक्ट रिलेशनशिप्स। ये आपका रिलेशनशिप इनकरेक्ट है। इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, आपके पास जो डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी है, अगर यहाँ पे मैं मैक्सवेल स्क्वायर बनाऊँ तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज एंट्रोपी प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो आपके पास ये है। सो अगर यहाँ पे आपके पास डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी है, तो अगर आप उल्टा देखना चाहते हो फ्रॉम दिस साइड, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी, राइट। तो एट डेल टी अपॉन डेल पी नहीं, ये साइड लिए ना, ये साइड लिए, तो उससे आपने रिलेशनशिप ये गलत डराइव किया, तो आपका आंसर आएगा फोर। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अंडर विच कंडीशंस द फॉर्मूला ln ऑफ पी टू बाई पी वन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन इज नॉट वैलिड, ठीक है। सो आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है वो क्लॉशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, राइट। सो ये क्लॉशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आती कैसे, आपके पास रहता है dp by p इट इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय आर टी स्क्वायर और यहाँ पे dt, और जैन आप इन दोनों को इंटीग्रेट करते हो, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि टेम्परेचर t1 पे आपका जो वेपर प्रेशर है वो p1 है, वेपर प्रेशर p2 आपका टेम्परेचर t2 पे, राइट। और ये वाली इक्वेशन आपकी कहाँ से आती है, फ्रॉम बैक, दिस इज बेसिकली आपके पास होता है dp by dt इट इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर और चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम आपके पास जो रहता है उसको आप किसके बराबर लिखते हो, अप्रॉक्सीमेटली द वॉल्यूम ऑफ वेपर्स के, राइट।
और वो आपके पास किसके इक्वल होता है, आर टी बाई पी के, उसको यहाँ पे पुट करते हो तो आपके पास ये चीज़ आती है, फिर आप इंटीग्रेट करते हो, राइट। अब देखो ये वाली इक्वेशन आपके पास कब आएगी, जब आप डेल्टा एच वेपराइजेशन को इंटीग्रल के बाहर करोगे, ठीक है। तो इंटीग्रल के बाहर ये कब आएगा, जब इट इज टेकन टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट लिया गया, ठीक है। बट अगर आप इसको बाहर नहीं लेके आओगे एज इट इज, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन नहीं आएगी, ठीक है। सो कौन सी कंडीशंस पे ये वाली इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी, जब आपके पास वो डेल्टा एच वेपराइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, राइट। सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, उस पर तो वैलिड ही है, आपके पास यहाँ पे लिक्विड और वेपर्स का इक्विलिब्रियम है, वेपर इज एन आइडियल गैस, तभी आप इसको आर टी बाई पी लिख रहे हो, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विद द वॉल्यूम ऑफ वेपर, तभी आप इसको वॉल्यूम ऑफ वेपर्स के बराबर कर रहे हो, ठीक है। तो आंसर टू आएगा। चलो, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एट एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी हर सब्सटेंस की जीरो हो जाएगी, जीरो हो सकती है, और अगर आपके पास एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें रेजिडुअल एंट्रोपी जीरो है, तो आपकी डेफिनेटली एंट्रोपी जीरो होगी। तो ये आपकी किसकी स्टेटमेंट है, थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है, राइट। थर्ड लॉ आपका एंट्रोपी के साथ डील करता है ना एक्सक्लूसिवली। चलो, उसके बाद द स्कैटरिंग ऑफ वेव्स इन द ब्रैग्स एक्सपेरिमेंट। तो ब्रैग्स एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या है, ब्रैग्स एक्सपेरिमेंट मतलब जो आपका एक्सरे डायफ्रेक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें आप ब्रैग्स इक्वेशन लगाते हो 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अब इसमें कॉन्सेप्ट देखो, आपके पास स्कैटरिंग किस तरह की हो रही है, स्कैटरिंग कैसे होगी, जैसे आपके पास यहाँ पे प्लेन है, तो प्लेन पे आपके पास यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स हैं, राइट। तो लैटिस पॉइंट्स आपके एक्सरे को स्कैटर करेंगे या डायफ्रेक्ट करेंगे, यही बोलते हो ना आप। तो से फॉर एग्जांपल, इस लैटिस पॉइंट से आपके पास स्कैटर हुई लाइट, ठीक है। तो दिस सॉर्ट ऑफ अ स्कैटरिंग इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग। देखो, स्कैटरिंग और डायफ्रेक्शन सिमिलर होते हैं, ठीक है। और रेले स्कैटरिंग ये क्यों होगी, बिकॉज रेले स्कैटरिंग के केस में क्या है कि जिस वेवलेंथ की लाइट आई, उसी वेवलेंथ की लाइट आपकी स्कैटर हुई, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आया। और अगर वेवलेंथ में चेंज आता है, देन उसको बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। तो यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ एक्सरेज की जो डायफ्रेक्शन से पहले थी या जो स्कैटरिंग से पहले थी, वही बाद में है। तो ये आपके पास होती है क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रेले स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग नहीं। रमन के केस में क्या है, वेवलेंथ या वेव नंबर आपका चेंज करेगा, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन आती है ना उससे, तो आपका आंसर आएगा बी। चलो, फॉर दी गिवन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, आपको माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट देखना है, ठीक है। सो आपको पता है जो माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, जो आपके पास रेट कॉन्स्टेंट्स हैं फॉर द डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, K2, किसका डीकम्पोजिशन, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का। तो K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय, जिससे वो बना, डिवाइडेड बाय K1, ठीक है। सो आपका यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 3। सिंबल्स देखो चेंज कर रखे हैं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, यू राइट इट एज के इनवर्स, और यहाँ पे आपके पास K2 डिवाइडेड बाय K1, तो बस सिंबल चेंज कर दिए, तो आपके पास ये आएगा माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। आप इवन यूनिट से भी कर सकते हो, देखो ये K2 और K3, K3 वाला प्रोसेस है जो K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय K1 है ना, तो देखो जो K2 वाला प्रोसेस है वो बैकवर्ड है, तो उसका वो यूनिमोलिकुलर है, तो उसको यूनिट्स आएगा सेकंड इनवर्स, इसका भी सेकंड इनवर्स आएगा बिकॉज ये भी यूनिमोलिकुलर है, ये बायमोलिकुलर है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा मोलारिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से आपके पास KM के यूनिट्स भी क्या आएंगे, मोलर कंसंट्रेशन के, तो उस हिसाब से भी आपका C आएगा, याद करने का तरीका है। उसके बाद देखो, व्हेन डज एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो बहुत सिंपल, इस केस में आपका जो रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज Vmax टाइम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय KM प्लस S, राइट। तो आपको पता है कि इसको आप दो केसेस के अंदर कंसीडर करते हो, कि अगर से फॉर एग्जांपल केस 1 कंसीडर करें एट लो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आप KM के कंपैरिजन में सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को निग्लेक्ट कर सकते हो, तो उस केस में आपका जो रेट होगा दैट इज इक्वल टू Vmax बाय S डिवाइडेड बाय KM, ठीक है। सो मतलब क्या है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन की पावर 1, ठीक है। सो एट वेरी लो कंसंट्रेशन, जब आप सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को KM के विद रिस्पेक्ट टू निग्लेक्ट करोगे, तब आपके पास जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक है। चलो, इन द फोटोकेमिकल रिएक्शन द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट रेडिएशन डैश रेडिएशन टेक्स प्लेस। तो अल्ट्रा वायलेंट एंड विजिबल, मतलब जिसको आप कलेक्टिवली बोलते हो UV विजिबल, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है ना। से फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्टेंट है, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फाइनली प्रोडक्ट बनाएगा,
तो लाइट आपकी किस रेंज में होगी? यूवी विजिबल। इसका कारण क्या है? बिकॉज जो यूवी विजिबल है उसकी जो लाइट की एनर्जी होती है वो किस रेंज में होती है? दैट इज इन द रेंज ऑफ 200 किलो जूल्स पर मोल। और जो टिपिकल बॉन्ड लेंथ होती है, बिकॉज रिएक्शन करवाने के लिए बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए भी इतनी ही इसके अराउंड आपको एनर्जी चाहिए होगी, तो वो अवेलेबल है फ्रॉम यूवी विजिबल। ठीक है, अगर आप रेडियो वेव्स करोगे तो इतनी एनर्जी ही नहीं है। रेडियो वेव्स तो बहुत कम एनर्जी की होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम में। ठीक है, सो आपका आंसर आएगा ये। और एक्सरे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की है, उससे आपके डिकम्पोज हो जाएंगे, रिएक्शन नहीं होगा। चलो, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एडिंग द KCl टू द अबव रिएक्शन? सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस पेस में आपको पता है लॉग ऑफ K/K0। ठीक है, आप ब्रॉन्स्टेड जेरम इक्वेशन यूज करोगे, दिस इज इक्वल टू 2A। यहाँ पे आपके पास ZA, ZB, रूट ऑफ i, तो ये इक्वेशन यूज करनी है। वाई? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग KCl। KCl ऐड करने से सोल्यूशन में क्या होगा कि सोल्यूशन की जो आयोनिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। ठीक है ना, आयोनिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। आयोनिक स्ट्रेंथ आपके पास क्या होती है? दैट इज हाफ ऑफ समेशन MI ZI का स्केयर। तो अगर आप और आयन्स ऐड कर दिए तो आपकी आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सो अब आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ने से ये वाला फैक्टर आपका बढ़ेगा या कम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इस चीज़ पे, राइट? ये बेसिकली क्या सिग्निफाई करती है? ये स्लोप सिग्निफाई करती है। दिस इज बेसिकली योर स्लोप, और वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे देखो, आपका एक रिएक्टेंट पे चार्ज कितना है? -2। दूसरे रिएक्टेंट पे चार्ज कितना है? -1। तो जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? दिस विल बी -2 टाइम्स -1, मतलब दिस विल बी 1। ए तो आपका कॉन्स्टेंट है, मतलब ये पूरी स्लोप आपके पास पॉजिटिव आई। और अगर आपके पास स्लोप पॉजिटिव है, मीन्स कि अगर आप आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो आपका रेट कॉन्स्टेंट बढ़ेगा, तभी स्लोप पॉजिटिव आएगी ना। ठीक है ना, अगर मैं इसका कर्व भी देखूँ तो कर्व भी आपके पास कुछ ऐसा आएगा। आई हैव लॉग ऑफ K/K0। K0 आपका जीरो आयनिक स्ट्रेंथ पे है, रूट ऑफ आई के साथ प्लॉट देखना है। सो दिस कम्स आउट टू बी दिस। ठीक है ना, तो वो बढ़ेगा क्यों? क्योंकि आपकी स्लोप पॉजिटिव है। सो आपका जो रिएक्शन रेट है दैट विल इंक्रीज, बिकॉज आपका रेट कॉन्स्टेंट बढ़ेगा ऑन एडिंग KCl। उसके बाद देखो, जब आप KOH को पानी में डिजोल्व करते हो, KOH आपके पास बेस है, तो हीट इवॉल्व होती है। मीन्स कि आपके पास जो रिएक्शन है ऑफ डिजोल्विंग वो आपका एक्सोथर्मिक है। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे? जो आपका KOH है, जो सॉलिड है, जब आपने उसको डिजोल्व किया, वो एक्वस हुआ, तो आपका जो रिएक्शन का एंथाल्पी चेंज है दैट इज नेगेटिव, राइट? फॉरवर्ड रिएक्शन का। अब आप क्या करो, आपको सॉलिबिलिटी पे इफेक्ट देखना है तो आप लीच एटले प्रिंसिपल लगा लो। सो आपको पता है कि रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है, सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रिएक्शन क्या करेगा? बैकवर्ड जाएगा। ठीक है ना, सो बैकवर्ड जाएगा मतलब आपकी जो सॉलिबिलिटी है सॉल्ट की वो डिक्रीज करेगी, बेस की सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो आपका आंसर आएगा 4। सो आपने किस बेसिस पे किया? लीच एटलियर के बेसिस पे। ठीक है, चलो, इन द हाइड्रोजन ब्रोमीन फोटोकेमिकल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ द टर्मिनेशन रिएक्शन रेट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सो बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको देखो कॉन्सेप्ट देखना, इस रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट K1, K2, K3, K4 एंड K5। सो टोटल आपको 5 स्टेप्स दे रखे हैं, राइट? तो ऐसे रिएक्शन में आप क्या करते हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन में आप ऑब्वियसली आप SSA अप्लाई करते हो। SSA किस पे अप्लाई करोगे? ऑन द इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स कौन से हैं? एक तो ब्रोमीन इंटरमीडिएट है, ब्रोमीन एटम, और एक आपका हाइड्रोजन एटम इंटरमीडिएट है। सो लेट्स अप्लाई। सो अगर आप ब्रोमीन इंटरमीडिएट पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हो, सो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? दिस विल बी, सबसे पहले इसकी कंसेंट्रेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है, तो इस वाले स्टेप का रेट, अब देखना एक बार ध्यान से, ये आपके पास क्या है? प्राइमरी प्रोसेस है जहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसका जो रेट होता है वो हम डायरेक्टली किसके इक्वल लिख सकते हैं? टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे इसको लिखो IA, और इस 2 के कारण यहाँ पे 2IA। ठीक है, बिकॉज दो ब्रोमीन रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पे बन रहे हैं, सो 2IA। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं, सो माइनस ऑफ K2 टाइम्स कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसनट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में बन रहे हैं, सो प्लस K3 कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसनट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप में भी आपके टूट रहे हैं, सॉरी बन रहा है, तो प्लस K4 यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ H एंड कंसनट्रेशन ऑफ HBr। और लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है आपके पास? टूट रहा है, सो माइनस ऑफ K5 कंसनट्रेशन ऑफ Br इसकी स्केयर। वाई? बिकॉज यहाँ पे 2 Br है, अलग अलग लिख रखा है, बट 2 Br है।
और यहाँ पे भी 2 आएगा बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका 2 है, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी लगाता हूँ डी एच अपॉन डी टी, एच पे भी लगाता हूँ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ पे कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी हाइड्रोजन, देखो सेकेंड स्टेप में आपका बन रहा है, सो के टू टाइम्स ब्रोमीन की कंसनट्रेशन और एच टू की कंसनट्रेशन। नेक्स्ट देखो 2 ट्राई है, सो माइनस ऑफ के थ्री एच की कंसनट्रेशन और बी आर टू की कंसनट्रेशन। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में भी 2 ट्राई है, सो माइनस ऑफ के फोर एच की कंसनट्रेशन, मतलब 2 ट्राई मतलब कंज्यूम हो रहा है, तो लाइक दिस। तो आपके पास ये 2 इक्वेशंस आएंगी, राइट। सो इसको बोल दो आपकी इक्वेशन 1 है या आपकी इक्वेशन 2 है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन करूंगा, इफ़ आई ऐड दीज 2 इक्वेशंस तो क्या होगा, इफ़ आई ऐड ऑन तो आपके पास होगा, देखो ये आपका इसके साथ कैंसिल आउट करेगा, ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट करेगा, ये प्लस में है ये माइनस में, ये इसके साथ कैंसिल आउट करेगा, तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना 2 आई ए माइनस ऑफ 2K5 कंसनट्रेशन ऑफ ब्रोमीन का स्क्वायर, दिस इज 0। सो इसका मतलब क्या है कि जो आपका 2 आई है दैट इज इक्वल टू 2K5 ब्रोमीन की कंसनट्रेशन का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो व्हाट इज इट, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास है रेट ऑफ इनिशिएशन और ये आपके पास क्या है रेट ऑफ टर्मिनेशन, तो वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ टर्मिनेशन तो आपको दे रखा है ये, सो ये किसके बराबर है, देखो रेट ऑफ टर्मिनेशन आपका किसके बराबर है इसके। अब यहाँ पे देखो एक भी ऑप्शन में आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब नहीं दे रखी, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, जनरल जैसे लिखते हैं वैसे लिखना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आएगा K1 टाइम्स कंसनट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, इसका 2 भी आएगा यहाँ पे, ये आपके पास है रेट ऑफ इनिशिएशन, सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2K1 टाइम्स कंसनट्रेशन ऑफ बी आर टू, जैसे यूजुअल लिखते हैं वैसे लिखे हैं, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ K5 कंसनट्रेशन ऑफ बी आर का स्क्वायर, ये 2 आपका 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आएगा K1 टाइम्स द कंसनट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। ये 2 आया क्यों, इस 2 के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेसिक ब्रॉन्स्टेड-जेरम इक्वेशन। सो ब्रॉन्स्टेड-जेरम इक्वेशन आपके पास क्या है, लॉग ऑफ K/K0, ये आपका किसके इक्वल, अभी लिखी ना 2a ZA ZB रूट ऑफ आई है ना, तो यहाँ पे आपके पास ZA और ZB जो रिएक्टेंट में आपके पास आयंस हैं उनके चार्जेस का प्रोडक्ट, तो बस वही पूछा हुआ है, सो बहुत सिंपल ZA ZB, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आयंस के चार्जेस का प्रोडक्ट करना है। सो देखो यहाँ पे 2 और 2 का प्रोडक्ट करोगे प्लस में, तो आपका आंसर आएगा 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो एक स्पीशीज आपकी न्यूट्रल है, मतलब उस पर चार्ज कितना है 0, तो 0 इंटू माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 0। सो यहाँ पे इसको आप इससे रिलेट कर लो, इसको इससे कर लो, यहाँ पे कितना आएगा प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 3 विल बी माइनस ऑफ 6, और यहाँ पे माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 1 विल बी 2, तो इसका आएगा ये, तो आप मैच कर लेना, आपका आंसर आएगा 4। नाउ POS दे रखा है आपको हाइड्रोजन सोल्यूशन का इतना, ठीक है ना। सो इसका POS किस तरह दिया हुआ है कि आपका जो हाइड्राजीन है N2H4 होता है, राइट। तो ये बेसिकली वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म दिस N2H5 प्लस NOH-, ठीक है, ये बन रहा है। तो ये आपके पास, ठीक है, तो अब आपके पास ये बेस है, इसका आपको मतलब सॉल्यूशन का आपको pH दे रखा है, ठीक है। सो सॉल्यूशन का जो आपका POH होगा उससे आप pH निकाल लोगे, pH आपके पास क्या होगा 14 माइनस POH, सो दिस विल बी 14 माइनस, पहले POH सही से निकालना पड़ेगा, अब pH जो आपको दिया हुआ है 6, तो दिस इज 6, तो आपके पास जो pH आएगा सॉल्यूशन का दैट विल बी 8, ठीक है। आपको सॉल्यूशन का POS दे रखा है, आपको प्रोटॉन कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की, राइट। तो आपको POH कितना दे रखा है कि आपका POH 6 है, तो आपके पास pH आ गया डायरेक्टली 14 माइनस POH करके, तो यहाँ से आप डायरेक्टली प्रोटॉन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, ये किसके इक्वल होती है 10^12 माइनस ऑफ pH के, सो दिस विल बी इक्वल टू 10^-8, ठीक है। तो आपका आंसर इस केस में क्या आएगा 3, 10^-8 डायरेक्टली। चलो द pH ऑफ 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट एट 25°C आपको निकालना है। अब आपको पता है कि सोडियम एसिटेट है, तो यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट किस चीज़ का लगेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन यूज़ करनी है। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन क्या बनेगी,
दिस विल बी बिकॉज सिंस ये सॉल्ट है किसका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, तो आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका पीएच वो आपका आएगा ग्रेटर देन 7, सो आपका पीएच किसके इक्वल बन जाएगा सिंस आपका केडब्ल्यू भी इतना ही है, सो दिस कम्स आउट टू बी 7 प्लस हाफ ऑफ, यहाँ पे आएगा आपके पास पीकेए प्लस लॉग सी, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 7 प्लस हाफ ऑफ पीकेए कितना दिया हुआ है 4, लॉग सी कंसेंट्रेशन कितनी है 10^-2, तो ये कितना आएगा दिस विल बी 7 प्लस हाफ ऑफ यहाँ पे आएगा 4 माइनस ऑफ 2 लॉग 10, लॉग 10 आपके पास 1 है, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 7 प्लस 1/2, यहाँ पे 4 माइनस 2 विल बी 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 1, तो आपका आंसर आएगा 8, ठीक है, सो आपका पीएच कितना आएगा सॉल्यूशन का 8। चलो मोलर आयनिक कंडक्टेंस आपको दे रखी है किसकी लिथियम हेलाइड की, इट इज़ फाउंड टू बी 90, ठीक है, एट इनफाइनाइट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, सो आपको यहाँ पे सिंपली कॉलरेज लॉ यूज़ करना है, सो मतलब इसकी जो इनफाइनाइट कंडक्टेंस पे है वो आपकी किसका इक्वल होगी दैट विल बी द सम ऑफ द आयनिक कंडक्टेंसेस, ठीक है, एट द इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब आपको लिथियम आयन की दे रखी है तो आपको हेलाइड की निकालनी है, सो हेलाइड की बेसिकली आप क्या करोगे इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे ना, सॉल्ट की जो है उससे आप माइनस कर लो किसकी लिथियम की, सॉल्ट की कितनी है 90, लिथियम की माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 50, यूनिट्स आपके यही रहेंगे दैट इज माइक्रो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, सो हेलाइड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन विल बी 50 माइक्रो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, यूनिट्स का ध्यान रखना, गलती गलती में आप यहाँ पे मिली साइमन भी कर सकते हो बट वो नहीं आएगा, ठीक है। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ बेसिक बफर, ठीक है, सो बेसिक बफर का मतलब क्या है कि एक ऐसा बफर जिसका पीएच आपका ग्रेटर देन 7 है, तो वो किस केस में होता है, जैसे आपको पता है अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड लो अलोंग विद द अमोनियम क्लोराइड तो इस वाले जो पीएच इस वाले बफर का पीएच आपका 9 से 10 के करीब आता है ना, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास सॉल्ट और बेस की कंसेंट्रेशन क्या है, ठीक है, तो ये आपको चाहिए बेसिक बफर के लिए। देखो एक और होता है आपके पास, वो क्या होता है सोडियम एसीटेट है, साथ में आपके पास एसिटिक एसिड है, सो व्हाट यू नीड बेसिकली आपको चाहिए क्या होता है, आपको एक वीक एसिड चाहिए होता है और उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, या आपको एक वीक बेस चाहिए उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन चलेंगे। इसका जो पीएच होता है दैट इज लेस देन 7, तो इसको हम बोल सकते हैं इट्स एन एसिडिक बफर, ठीक है, ये आपके पास एक बेसिक बफर है अकॉर्डिंग टू देयर टर्मिनोलॉजी। तो ये आपको कैसे मिलेगा, देखो पहला देखो आपने सेम दोनों की कंसेंट्रेशंस ली हैं सेम वॉल्यूम, तो आपको क्या देखना होता है आपको मोलैरिटी टाइम्स वॉल्यूम आपको मिलीमोल्स देखने होते हैं, तो दोनों जगह आपके पास मिलीमोल सेम आएंगे 100 × 0.1 10 मिलीमोल्स, तो यहाँ पे आपके पास NaCl का सोल्यूशन बनेगा, तो NaCl तो आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है ना, मतलब ऐसा सॉल्ट जिसका जो एक्वा सोल्यूशन है उसका पीएच 7 है। उसके बाद देखो 50 ml है 0.1 मोलर NaOH का और 25 ml है 0.1 मोलर एसिडिक एसिड का, तो इसके इसमें क्या होगा ये आपका एक्सेस में दिया हुआ है 5 मिलीमोल्स इसके हैं, इसके कितने हैं 2.5 मिलीमोल्स है ना, सो आपके पास यहाँ पे क्या होगा इसका रिजल्ट है कि आपके पास एसिडिक एसिड पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, सो यू विल बी हैविंग सोडियम एसिटेट साथ में NaOH, तो ये तो कोई बफर नहीं हुआ ना कॉम्बिनेशन में, तो ये रॉन्ग हो गया। सेम आप यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली दोनों को न्यूट्रलाइज करेंगे इस केस में, तो आपके पास आएगा सोडियम एसिटेट ओनली, तो ये तो आपके पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है बफर का नहीं, सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा 4। उस केस में देखो आपके पास यहाँ पे एक्सेस आपने पास यहाँ पे एक्सेस ऑफ बेस है, ठीक है ना, सो एक्सेस ऑफ बेस क्या होगा कि कुछ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका HCl के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना देगा और थोड़ा अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बच जाएगा, सो दो दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ बेसिक बफर, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 4 क्योंकि एक्सेस ऑफ बेस दिया हुआ था। उसके बाद देखो जो क्विन हाइड्रोन है, सो क्विन हाइड्रोन आपको पता है इलेक्ट्रोड आप पीएच मेजर करने के लिए यूज़ करते हो, इस केस में क्या होता है इक्वेशन जो क्यूनोन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का और 2 प्रोटॉन्स का गेन करेगा टू फॉर्म QH2 विच इज़ द हाइड्रोक्यूनोन, ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो सेल रिएक्शन होता है वो मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे आपके पास जो इसका सेल पोटेंशियल होगा दैट विल बी जो स्टैंडर्ड है माइनस आपके पास जो RT बटा NF और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा ln ऑफ QH2 की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय यहाँ पे Q की कंसनट्रेशन
और यहाँ पे H प्लस की कंसेंट्रेशन का स्केयर, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो क्यून हाइड्रोन है ना, उसका जो सेल पोटेंशियल है वो इस पूरे चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो वो सेल पोटेंशियल सोलली प्रोटॉन कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इक्वी मोलर कंसेंट्रेशन लेते हैं किसकी, हाइड्रोक्विनोन की और क्यूनोन की। सो आपको क्या करना है, आपको इक्वी मोलर कंसेंट्रेशन लेनी है। सो इस केस में देखो इक्वी मोलर आपके पास क्या है, 4, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4। आप दोनों को आपने 1 मोलर लिया और इक्वी मोलर है, दोनों की कंसेंट्रेशन आपस में सेम है। Which of the following features is not related to the lead storage battery? ठीक है, अब ये थोड़ा सा doubtful question है। Reason, सभी के सभी features हैं lead storage battery के, ठीक है ना। Lead storage battery में basically होता क्या है कि आपके पास lead है, एक electrode है, दूसरा आपके पास क्या है, lead dioxide है, ठीक है, और बीच में आपके पास जो electrolyte होता है वो क्या होता है, sulfuric acid। तो ये एक electrode है, ये दूसरा electrode है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड विच इज ऑफ लेड विच इज फिल्ड विद द लेड डाइऑक्साइड कैथोड, और ये बेसिकली क्या है, एक सेकेंडरी सेल है, ठीक है। सेकेंडरी सेल का मतलब क्या है, या सेकेंडरी बैटरी है, इसका मतलब एक ऐसी बैटरी जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। आपको पता है जो कार में यूज होती है लेड स्टोरेज बैटरी, उसकी एक लाइफ होती है, बट उतनी लाइफ तक हम उसको वो कार की बैटरी अपने आप रिचार्ज होती रहती है ना, ठीक है ना, जब आप कार को चलाते हो। सो इट्स कॉल्ड सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल है तो इट इज़ रिचार्जेबल, तो मतलब जब वो एक गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा, जब वो करंट दे रहा है, तो उस केस में आपके पास लेड एनोड होता है और दूसरा लेड डाइऑक्साइड आपके पास कैथोड होता है, राइट। एंड देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी वो बन सकता है। उस केस में क्या होता है कि वो करंट कंज्यूम करेगा, इस केस में वो करंट दे रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो करंट लेगा, ठीक है। सो हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं, और रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, बाय पासिंग द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड यूज होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो आपका यहाँ पे कोई ऐसा फीचर नहीं है विच इज नॉट रिलेटेड, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई मार्क करना है तो माइट भी ये वाला हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है, कौन से डायरेक्शन में करना है, ठीक है ना, सो लाइक दैट। बट सभी सही है वैसे तो अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम में जाएगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन जिसका पीएच आपके पास कितना है, 10, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे, सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे। सो सेल रिएक्शन आपको दे रखा है, सो इसका जो सेल पोटेंशियल होगा, हाफ सेल पोटेंशियल, दैट विल बी जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से आप माइनस करोगे, 0.0591 डिवाइडेड बाय n, n कितना आपके पास, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आप लॉग लोगे किसका, हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन का, राइट। वैसे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी आएगा हाइड्रोजन का, वो हम एज्यूम करेंगे 1 है, ठीक है। सो बस इसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो हाफ सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इसका 0 होता है, सो माइनस ऑफ 0.0591, और ये log ऑफ 1 बाई एच प्लस बेसिकली क्या होता है, pH, ठीक है ना। pH बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव logarithm ऑफ H प्लस की कंसनट्रेशन। तो अगर आप reciprocal हटाना चाहते हो, मतलब सॉरी नेगेटिव हटाना चाहते हो, तो reciprocal करोगे, सो दिस विल बी लाइक दिस, तो दिस विल बी माइनस ऑफ 0.059, pH आपके पास कितना है, 10, सो दिस इज माइनस ऑफ 0.591 वोल्ट्स, तो ये आपका आंसर आएगा, सो आपका आंसर आएगा 4, ठीक है। During the electrolysis of the aqueous sodium chloride solution, the products are, ठीक है, so during the electrolysis of aqueous sodium chloride solution, तो आपके पास NaCl का solution है, आप क्या कर रहे हो, उसे electricity pass कर रहे हो, है ना, so आप कैसे करते हो, इस case में आपके पास कौन कौन से ions हैं, देखो पानी से आपके पास यहाँ पे H plus और OH minus हैं some amount के, और NaCl जब डिजॉल्व कर रहा है तो आपके पास सोडियम आयंस हैं और क्लोराइड आयंस हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, सिंस प्रोटॉन आपके प्रेफरेंशली कैथोड पे रिड्यूस होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे टू फॉर्म द हाइड्रोजन, और ये कब होगा, ये कैथोड पे होगा, एंड देन एनोड पे आपके पास जो क्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा प्रेफरेंशली, बिकॉज एनोड पे क्या होगा, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड का आपस में कॉम्पिटिशन है, ठीक है, और कैथोड पे H प्लस और सोडियम आयंस का है, तो H प्लस आपको पता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो वो प्रेफरेंशली कैथोड पे रिड्यूस होगा,
और क्लोराइड आपका एनोड पे प्रेफरेंशली ऑक्सीडाइज होगा बिकॉज आपने NaCl डाला हुआ है ना। तो आपके पास यहाँ पे वैसे भी कोई और आंसर तो बन नहीं रहा, देखो सोडियम मेटल आपके पास आएगा नहीं, सो ये रॉन्ग हो गया। क्लोरीन और H2 तो आएगा आपके पास, प्लस आपके पास प्रोडक्ट्स क्या आएंगे, देखो H2 और क्लोरीन तो आपकी रिलीज हो गई, तो आपके पास नेट क्या बचा, आपके पास नेट सोडियम आयन बचे जो नहीं हुए और हाइड्रोक्साइड बचे जो नहीं हुए, तो आपके पास कलेक्टिवली सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा सोल्यूशन में। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, कैन राइट इट एज NaOH प्लस हाफ H2 प्लस हाफ क्लोरीन, ठीक है ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, वाटर, ठीक है। सो आपका आंसर वो आएगा ना लास्ट वाला सी, सी बना, क्या बना, एक सेकेंड, डी डी, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 4। According to the Debye-Hückel theory, the relationship between the mean ionic activity coefficient gamma plus minus and the activity coefficients, ionic activity coefficients, ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे, आपको पता है जो आपका कैल्शियम क्लोराइड है जब वो डिजोल्व करेगा तो आपके पास कैल्शियम आयन्स आएंगे और दो क्लोराइड आयन्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका एक्स है और इसका वाई है, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है गामा प्लस माइनस दिस इज इक्वल टू इसकी आयनिक एक्टिविटी की पावर एक्स, इसकी आयनिक एक्टिविटी की पावर वाई और होल की पावर 1/x + y। तो बस लगा लो, सो गामा प्लस माइनस आपके पास यहाँ पे क्या होगा, गामा प्लस की पावर 1, गामा माइनस की पावर 2 सिंस वाई आपके पास 2 है और इस पूरे की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1+2 सो इट विल बी 3। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, गामा प्लस माइनस का क्यूब एक इसके इक्वल होगा गामा प्लस टाइम्स गामा नेगेटिव की पावर 2 के। तो आपका आंसर आएगा इस केस में 4, ठीक है। सो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था। चलो आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और जो केमिकल इक्विवेलेंट है सब्सटेंस का वो सेम है, ठीक है। तो वो बेसिकली सेम नहीं होता, कैसे सेम नहीं होता, बिकॉज उसमें आपके पास जेड है ना, जेड होता है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वो किसके इक्वल होता है, जो केमिकल इक्विवेलेंट है या इक्विवेलेंट वेट है उसको आप डिवाइड करते हो किसके साथ, एफ के साथ, ठीक है। सो बोथ आर नॉट सेम, सेम नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस आर ऑलवेज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, तो रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब फॉर एग्जांपल NaOH ले लो, NaOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कहाँ, NaOH तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कम्प्लीटली डिसोसिएट करता है, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट देखो द कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब यहाँ पे ना देखना पड़ेगा कंडक्टिविटी किसको बोल रहे हैं, कप्पा को बोल रहे हैं कंडक्टिविटी या लैम्डा एम को बोल रहे हैं, अकॉर्डिंगली मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे लैम्डा एम को बोल रहे हैं, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। सो मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की ऑलवेज डिक्रीजेज इंक्रीजेज विद द डाइल्यूशन, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता है कि अगर मैं लैम्डा एम का ग्राफ प्लॉट करूं अगेंस्ट रूट ऑफ सी, तो आपके पास दो तरह के ग्राफ्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कुछ ऐसा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कुछ ऐसा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये वीक के लिए हो गया, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग के लिए हो गया। सो आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग के लिए लीनियरली डाइल्यूशन के साथ, डाइल्यूशन मतलब जब आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे, आप इस साइड जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लीनियरली बढ़ेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बहुत रैपिडली बढ़ेगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज डिक्रीजेस विद द डाइल्यूशन, तो ये आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, उसकी भी बढ़ेगी ही डाइल्यूशन के साथ। अ स्टील स्क्रू इन अ ब्रास मरीन हार्डवेयर करोड्स, सो दिस इज ड्यू टू, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट किससे है, कोरोजन से है कॉन्सेप्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे, देखो आपको पता है कि स्टील में आपके पास क्या होता है, आयरन, राइट, और ब्रास में आपके पास वो होता है बेसिकली ब्रास, ब्रॉन्स में जिंक नहीं होता, तो ब्रास ब्रास में होता है, राइट। सो ब्रास आपके पास होता है कॉपर और जिंक का अलॉय, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एक स्टील क्रू है, वो आपका ब्रास मरीन हार्डवेयर है, मतलब आपके पास कुछ ऐसा हार्डवेयर है जो ब्रास का बना हुआ है, ठीक है। तो स्टील स्क्रू अगर आपने रखा है उसमें तो वो करोड करेगा प्रेफरेंशली, रीजन क्या है, आपको पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP रीजन है, ठीक है। आपको पता है कि आयरन, आयरन की ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, वाई, बिकॉज आयरन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है, ठीक है।
वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो कॉपर है, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, सो ज़्यादा टेंडेंसी रिड्यूस होने की कॉपर की है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं उल्टा बोलूँ तो ज़्यादा ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, तो यहाँ पे लिख लो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, उसकी टेंडेंसी किसकी, आयरन की। सो अगर आप बेसिकली यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे आप एनालॉगी के साथ यहाँ पे कॉपर है, तो आयरन क्या करेगा, आयरन प्रेफरेंशली आपका करोड करेगा, ठीक है ना। आयरन सिलेक्टिवली आपका ऑक्सीडाइज होगा इनटू आयरन टू प्लस, ठीक है। तो ऐसी कोरोजन को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक कोरोजन। सो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या गैल्वेनिक सीरीज में, वैसे नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो उसकी करोड होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। दैट्स वाई जो आपका आयरन है वो प्रेफरेंशली करोड होगा, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, गैल्वेनिक करोजन। बाकी जो आपको दिए हुए हैं ना, क्रिवेज, इरोजन, पिटिंग, वो बेसिकली टाइप्स हैं करोजन की। पिटिंग करोजन का मतलब है जैसे आपके पास जो मटीरियल है उसमें जो करोजन होगी वो पिट्स की फॉर्म में होगी, मतलब होल्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। क्रिविस का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास क्रिविस की फॉर्म है, मतलब ये जो क्रिविस है बीच में जो स्पेस बची है उस पर करोजन होगी, ठीक है। सो वो टाइप्स हैं करोजन की। आंसर आएगा इसका गैल्वेनिक करोजन। चलो क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238-92 अंडरगोइंग अल्फा डिके इज 4.5×10⁻⁹ ईयर्स, देन वट इज इट्स एवरेज लाइफ, ठीक है। सो आपको एवरेज लाइफ बतानी है इसकी, तो क्या रहेगी। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको, देखो आपको हाफ लाइफ दे रखी है। सो हाफ लाइफ कितनी है, दैट इज 4.5×10⁹ ईयर्स, राइट। आपको बतानी है एवरेज लाइफ। सो फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला रहता है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर डीके ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाई के, ठीक है। और एवरेज लाइफ का क्या रहता है, 1/k, k की जगह लैम्डा लिख लो, के की जगह आप यहाँ पे लैम्डा लिख लो। सो लैम्डा मतलब डीके कांस्टेंट, राइट। तो अगर आप दोनों को रिलेट करोगे तो क्या मिल रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ln ऑफ 2 यहाँ पे 1/λ, 1/λ की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पे एवरेज लाइफ। सो एवरेज लाइफ टाइम्स ln ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 4.5×10⁹। तो आपके पास जो एवरेज लाइफ आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 4.5×10⁹ इन ईयर्स। इसको आप डिवाइड कर दो बाय ln ऑफ 2, ln ऑफ 2 होता है आपके पास 0.693, जो आपको पता है, ठीक है। ऊपर आपके पास कितना है, 4.5×10⁹ ईयर्स, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 6.49×10⁹ ईयर्स, ठीक है। तो आपका एवरेज लाइफ कितनी आएगी, इतनी। तो आंसर आएगा आपके पास बी, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इकोनॉमी वॉज डेवलप्ड बाय, तो देखो जो ग्रीन केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल थे 12 प्रिंसिपल्स, उसमें से एक जो प्रिंसिपल होता है उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि एटम इकोनॉमी, ठीक है। तो ये वाले जो प्रिंसिपल दिए थे किन्होंने, पॉल एनास्टस ने, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी इन्होंने ही यहाँ पे डेवलप किया था। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ग्रीन सॉल्वेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि देखो बेंजीन जो होता है ना वो कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर कॉजिंग सॉल्वेंट है, इसका अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे तो कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, मतलब अगर ज़्यादा इसके टच में आ जाए, कॉन्टैक्ट अगर आपके पास मतलब इसके साथ ज़्यादा हो जाए, तो ये कार्सिनोजेनिक होता है, जिसकी वजह से इसको हम ग्रीन सॉल्वेंट नहीं मानेंगे। ग्रीन सॉल्वेंट क्या होता है, बेसिकली जो हेल्थ को कम हजार्डस हो, ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, तो इस तरह के सॉल्वेंट जो कि अल्कोहल्स होते हैं, यहाँ पर इनको हम ग्रीन सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं, इथिल लैक्टेट को वगैरह। बेंजीन जो है वो ग्रीन सॉल्वेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, क्या बोल रहा है, इट इज़ बेटर टू अलो द वेस्ट फॉर्मेशन दैन टू ट्रीट और क्लीन अप, इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट दैन टू ट्रीट और क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट इज़ फॉर्म्ड। तो देखो ग्रीन केमिस्ट्री का एक प्रिंसिपल होता है कि कोई भी वेस्ट जो है किसी रिएक्शन में जनरेट होने के बाद उसको साफ करने से अच्छा है कि उसको जनरेट ही ना होने दो, तो प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, ये जो एक प्रिंसिपल होता है ग्रीन केमिस्ट्री का, जिसमें हम क्या करते हैं कि वेस्ट को ट्रीट करने से अच्छा है कि उसको फॉर्म ही नहीं होने देना है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेटर टू अलो, मतलब ये गलत है। सिर्फ यहाँ पे आपका बी जो है ये करेक्ट आएगा, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल्स जो निकलता है वैसा वाला मोस्ट हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसिड रेन. तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन वन, सल्फर एंड नाइट्रोजन. तो देखो जो सल्फर डाइऑक्साइड और आपके पास जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये वाले मतलब जब गैसेस यहाँ पे एनवायरनमेंट में एयर और वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब रिस्पेक्टिवली SO2 जो है वो H2SO4 में, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में, और जो NO2 है मतलब जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा आपके पास, वो आपके पास नाइट्रिक एसिड में HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी की वजह से एसिड रेन होता है. तो ऑप्शन आपके पास क्या है, वन करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, वेजिटेबल फार्मिंग इन हाउसेज, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, फार्मिंग ऑफ ग्रीन प्लांट्स. तो हमें पता है जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका एक मेन रीजन क्या है, यहाँ पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, ऑप्शन आपके पास क्या है, टू यहाँ पे करेक्ट आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर इज. तो देखो ये वाले चीज़ें जो है ना वो याद रखने वाली थी. तो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड जो कॉन्सेंट्रेशन होता है कॉपर का वो कितना होना चाहिए, 3.0 ppm. ऑप्शन थ्री जो है आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अमाउंट ऑफ BOD. BOD मतलब क्या है, देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, ठीक है, ये क्या होता है BOD. तो आपके पास जो भी वाटर है, ठीक है, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, यहाँ पे मान लो ये वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो कितना अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है आपके जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके ब्रेकडाउन के लिए यूज होता है, मतलब एरोबिक वे में, जो यहाँ मतलब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेकडाउन होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज होता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और यही वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है. ऑप्शन थ्री जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू बेबी डिसीज इज कॉज्ड इफ ड्रिंकिंग वाटर हैज एक्सेस अमाउंट ऑफ. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखो नाइट्रेट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रेट्स होते हैं ना आपके पास, ये बॉडी में जाने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्राइट्स में. ठीक है, नाइट्राइट्स में, और ये जो नाइट्राइट है ये क्या करता है, आपके पास बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाइंड कर जाता है. ठीक है, और ये क्या करता है, इस हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करता है मिट हीमोग्लोबिन में. ठीक है, मिट हीमोग्लोबिन में. तो इसकी वजह से क्या हमें पता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, बट ये जो मिथ हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, और इसकी वजह से ऑक्सीजन का जो फ्लो है बॉडी में मतलब कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लू बेबी डिसीज जो है वो हो जाता है. तो ऑप्शन टू आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, एनवायरमेंटल पोल्यूशन अफेक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है सिर्फ प्लांट्स को यहाँ पे अफेक्ट करता है ऐसे नहीं है, या फिर सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स को यहाँ पे अफेक्ट करता है ऐसे नहीं है. इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन फोर आएगा, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों भी. अब बायोटिक में क्या क्या आता है, तो जो हमारे पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, या फिर आपके पास मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी जानवर वगैरह है, ये सारे आते हैं. ठीक है, प्लांट्स वगैरह सारे आते हैं. और एबायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या आता है, यहाँ पे जो भी एनवायरनमेंट के फैक्टर है, जैसे कि टेम्परेचर हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो, राइट, इस तरह से. अब ये वाले जो सारे फैक्टर्स हैं ये एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं. तो जब एनवायरनमेंट का पोल्यूशन हो जाता है तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब बायोटिक प्लस एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो जाते हैं. तो ऑप्शन फोर आपका करेक्ट आंसर आने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट फाउंड इन द फोटोकेमिकल फॉग. तो फोटोकेमिकल फॉग में यहाँ पे कौन सा कंपाउंड फाउंड नहीं होता, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बिन जो है यहाँ पे आपके पास क्या है, मतलब बेसिकली जो ओजोन डिप्लेशन वगैरह होता है उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बिन रीजनेबल होता है, उस मतलब वो उसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है CFCs की वजह से. बट यहाँ पे अगर हम फोटोकेमिकल फॉग की बात करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड पाए जाते हैं, ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, ये पाया जाता है, बट क्लोरोफ्लोरोकार्बिन उसका कंपोनेंट नहीं है. तो ऑप्शन वन आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्या क्या बोल रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बिलो 4 ppm इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फिश. तो देखो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और यही हमारा फर्स्ट वाला जो है करेक्ट आंसर आएगा. क्या बोल रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बिलो 4 ppm इज आइडियल फॉर द फिश ग्रोथ. तो अगर पानी में फिश ग्रोथ होनी है तो उनके लिए जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 5 ppm से ज़्यादा होना चाहिए.
ठीक है 5 ppm अप टू 20 ppm होना चाहिए। अगर वो 4 ppm से कम या फिर 4 ppm है तो वो आइडियल नहीं है, यानी कि है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, BOD वैल्यू फॉर ऑफ क्लीन वाटर इज लेस देन 5 ppm, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर pH शुड बी बिटवीन 5.5 to 9.5, ये भी ठीक है, मतलब न्यूट्रल टू बेसिक यहाँ पे pH होना चाहिए। कार्बन सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एयर पोल्यूटेंट्स, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए आपका मतलब 1 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर यूजुअली रेंजेस इन कंटेंट फ्रॉम, तो देखो याद रखने वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर है ऑप्शन 0.1 to 7%, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, आपके पास रिएक्शन करके दिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट सी फॉर्म हो रहा है, द आईपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड सी बताना है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि सी कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो CH3CH2 देन CH2CH2 और यहाँ पे OH, तो यहाँ पे आप देख सकते हो Al2O3 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और ऊपर से यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया है, कितना देखो 350 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करेगा, सिंपली हमें पता है ऐसे वाले केस में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, तो यहाँ से फॉर्म होगी ये वाली अल्किन, ठीक है, ये वाली अल्किन फॉर्म होगी, राइट। अब इसके बाद मतलब ए जो बना आपके पास ये वाला है, इसके बाद क्या किया है Br2, मतलब यहाँ पे अल्किन की ब्रोमिनेशन की है, तो हमें पता है यहाँ पे एंटीवे में अल्किन की ब्रोमिनेशन होगी, यहाँ पे एक ब्रोमीन और यहाँ पे एक ब्रोमीन आपका होगा, ठीक है, तो ये डाई ब्रोमिनेशन होगी। इसके बाद KOH नीतुलन दिया है, मतलब अल्कोहलिक KOH दिया है, तो यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, OH- क्या करेगा, एक बार यहाँ से H को एब्सट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर Br यहाँ से बाहर, तो मेरे पास क्या फॉर्म हो गया, देखो यहाँ पे इस तरीके से अगेन ये अल्किन फॉर्म होगी, बट यहाँ पे ब्रोमीन है। अब OH- क्या करेगा, अगेन एक बार यहाँ पे E2 इलिमिनेशन दिखाएगा, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर और ये यहाँ से ब्रोमीन बाहर, तो आपके पास CH3CH2, यहाँ पे वाला कार्बन और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि टर्मिनल अल्काइन बनेगी आपके पास, नंबरिंग करोगे 1, 2, 3 और 4, यानी कि 1-butyne आपके पास बनेगी, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ 1-butylcyclopropanol, ठीक है, 1-butylcyclopropanol मतलब साइक्लोप्रोपेनोल है जिसके यहाँ पे 1 पोजीशन पे ब्यूटिल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली 1 पोजीशन है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ब्यूटिल चेन लगी है, यानी कि हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है, ठीक है, साइक्लो 1-butylcyclopropanol, तो ये वाला जो पार्ट है आपका साइक्लोप्रोपेनोल है और इसके 1 पोजीशन पे इस तरह से ब्यूटिल चेन लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल इज, तो ऐसे वाले कंपाउंड में क्या करना है, सिंपली ब्रांच और चेन अल्केन है, आपको नंबरिंग करनी है, कहाँ से करेंगे हमें पता है, जो भी सब्सटेंट जिस भी साइड से पास में है वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंट हमारे पास रिंग में आनी चाहिए और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन भी आनी चाहिए, तो हमारे पास 2 चांसेस है, एक तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ, एक तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे सब्सटेंट पास में नहीं है, ये हट गया, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, बट आप देखो अगर यहाँ से करोगे ना तो आपको ये वाली चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी इस तरह से, बट ये क्या है मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कम है, तो आपको ये वाली मतलब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कंसिडर करनी है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जिस साइड से सब्सटेंट पास में है उस साइड से प्लस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपके पास आनी चाहिए, और ऐसा करने के लिए अगर मैं नंबरिंग करूँगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो ये मेरा 1 होगा, ये 2, ये 3, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो 7 मेंबर मतलब 7 कार्बन चेन है यहाँ पे, तो हेप्टेन आने वाला है, हेक्सेन वाले ऑप्शन जो है वो हट जाते हैं, और इसमें आप देख सकते हो हेप्टेन वाले जो ऑप्शन है इसमें 2 पे मिथिल और 6 पे मिथिल है, बट हमें पता है यहाँ पे 2 पोजीशन पे मिथिल है, 6 पे नहीं है, तो अब आपके पास ये भी हट गया, ऑप्शन 4 करेक्ट है, 4-isopropyl-2-methyl-heptane, ठीक है, 4 पोजीशन पे आइसोप्रोपिल है, 2 पे मिथिल है, ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीएसी नॉमिक्लेचर के ऊपर ही था, नियोपेंटेन इज, तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए था, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर होता है ये वाला, अब इसका अगर आप आईपीएसी नॉमिक्लेचर करोगे 1, 2 और ये 3, 2 पोजीशन पे 2 मिथिल ग्रुप है, यानी कि 2,2-dimethylpropane, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, गिव एन आईपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड, अगेन आपको यहाँ पे ब्रिज्ड कंपाउंड दिया है, इसका आईपीएससी नॉमिक्लेचर यहाँ पे करना है, तो देखो सिंपली मैं सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह से है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, इधर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप है और इधर आपके पास 1 मिथिल ग्रुप है, तो हमें पता है जनरली जब भी हम इस तरह से ब्रिज्ड बायसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमिक्लेचर करते हैं तो हम ब्रिज्ड पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ से करें या यहाँ से करें, तो हम यहाँ से करेंगे, क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पे सब्सटिट्यूएंट लगा है, दूसरी बात जब हम 1 और यहाँ पे 2 करेंगे तो इस कार्बोनिल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, अगर इधर से आते तो कार्बोनिल ग्रुप को प्रायोरिटी कम मिलती, और इसके वजह से हमने क्या किया, 1 नंबरिंग यहाँ पे करी, 2 नंबरिंग यहाँ पे, 3, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले ब्रिजेड पोजिशन पर चले जाते हैं, देन यहाँ पे 5 और देन यहाँ पे 6, और जो भी आपके पास
स्मॉल मेंबर्ड ब्रिज होगा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम कम है वहाँ पे हम लास्ट नंबर देंगे, यहाँ पे 7। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास 3 मिथिल ग्रुप है, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 1, 7 और 7 पोजीशन पे, यानी कि 1, 7, 7 ट्राई मिथिल होगा आपके पास, ठीक है, ट्राई मिथिल। उसके बाद बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो आपके पास यहाँ पे सफिक्स मतलब प्रीफिक्स क्या आएगा, बाईसाइक्लो, ठीक है। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, हर ब्रिज में जितने भी नंबर ऑफ एटम है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 1 है, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2, 2, 1, ठीक है। इसके बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो 7 है, तो हेप्टन, और यहाँ पे 2 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो 2 ओन आएगा, ऑप्शन आपके पास क्या है, 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट एन आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखो ऐसे वाले सिस्टम जनरली मतलब सीएसआर नेट गेट या फिर आईआईटी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बट इस वाले पेपर में पूछा गया है। इतना तो हमें समझ में आ रहा है, थायनो 2,3 तो सब में आ रहा है, थायनो 2,3 और फिरान, ठीक है, ये तो सब में आ रहा है। मतलब थायोफिन जो है उसके अगर मैं नंबरिंग करूँगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो इसके 2 और 3 पोजीशन में क्या लगा है, यहाँ पे फिरान लगा है, तो थायनो 2,3 फिरान आएगा, और यहाँ पे इसके लिए क्या आएगा, बी आएगा, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिव द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अगेन यहाँ पे ब्रिजड बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, किस तरह से नंबरिंग करेंगे, ब्रिजड पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, नंबरिंग करने की यहाँ पे नीड नहीं है, बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो आने वाला है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एटम देखेंगे 6 और 2, मतलब 6 और 2, 8 है, तो यहाँ पे ऑक्टेन आने वाला है, ये होगा, ये होगा, ये हट गया, ये हट गया, यहाँ पे क्या है, 3, 2, 1 है, यहाँ पे 2, 3, 1 है, हमें पता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। इस ब्रिज में यहाँ पे 3 आइटम है, तो पहले 3 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे 2 है, तो 2 लिखेंगे, लास्ट में यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 3, 2, 1, यानी कि बाईसाइक्लो 3, 2, 3, 2, 1 ऑक्टेन आएगा, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ब्रिज मतलब ब्रांच्ड अल्केन है, गिव एन आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग अल्केन। क्या करेंगे, जिस भी साइड से सब्सटेंट पास में उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इधर से 3 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से 2 पोजीशन पे आ रहा है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी, 1, 2, 3, ये 4, यहाँ पे 5, अब 6 और इधर 7 देंगे तो 7 मेंबर मतलब यहाँ पे चैन बनेंगे, बट आप देख सकते हो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, इस तरह से नंबरिंग होगी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन ढूंढ ली। अब इसमें आप देख सकते हो 2, 4 और 6 पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, मिथिल है, बट मिथिल का एम और यहाँ पे क्या है, इथिल है, तो इथिल का ई, अगर हम देखे जाएंगे एम और ई में अल्फाबेटिकली ई की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो पहले इथिल को लिखेंगे, तो 5 पोजीशन पे पहले आप इथिल को लिखोगे, उसके बाद 2, 4, 6 पे 3 मिथिल ग्रुप है, तो ट्राई मिथिल, देन ऑक्टेन, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पायरो 4,2-हेप्टेन-2,4-डाइन इज। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में है मिस्टेक, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन 4 आना चाहिए, क्योंकि बाकी कोई भी यहाँ पे मतलब कुछ भी रिलेवेंट स्ट्रक्चर नहीं है, बट इसमें दिक्कत क्या है, देखो इसका जो नाम होना चाहिए था ना, वो कैसे होना चाहिए था, वो होना चाहिए था स्पायरो 2,4, ठीक है, हेप्टा, ठीक है। नंबरिंग कैसे, देखो जैसे हम ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड में करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हम ब्रिजर्ड पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, फिर हम जिस भी साइड मतलब देखो जैसे मान लो ऐसे है, अगर इस वाले ब्रिज में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है तो हम इस साइड नंबरिंग देने जाते हैं, ठीक है, फिर ऐसे घूम के इधर आते हैं, फिर यहाँ पे ब्रिज में नंबर कम है तो वहाँ पे लास्ट नंबर दे देते हैं, बट जब आपके पास स्पायरो सिस्टम है तो आपको स्मॉल मेंबर रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, और वो भी कहाँ से, यहाँ से, तो ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, यहाँ पे आप 3 दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप 3 दोगे, बट आप देखो यहाँ पे 4 और 2 को पकड़ा है, मतलब यहाँ पे इस भी ब्रिज में मतलब यहाँ पे इस वाले रिंग में कितने एटम है, 2 है, और यहाँ पे इस रिंग में कितने हैं, इधर 4 ही पकड़ा है, तो जब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में नंबरिंग नंबर्स लिखोगे नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ पे इस वाले स्पायरो एटम को पकड़ना नहीं है, बट उसको नंबरिंग देनी है, तो ये 1, 2, 3, देन यहाँ पे 4, ये 5, ये 6 और ये 7, इस तरह से नंबरिंग होती है, और इसके वजह से इसका नाम क्या आता है, स्पायरो 2,4 यहाँ पे हेप्टा, और डबल बॉन्ड जो है 4 और 6 पोजिशन पे है, तो 4, 6, 9 ये इसका नाम देना चाहिए था। इसमें इन्होंने क्या किया है, नंबरिंग इन्होंने गलत कंसिडर करी है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होगा आपके पास ये वाला मतलब यहाँ पे या तो इन्होंने नाम ये गलत दिखाया, ये वाला नाम होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर ये वाला नहीं होना चाहिए था, ठीक है, बाकी कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे इसको मैच नहीं कर रहा, इसका आंसर ये वाला आना चाहिए था, बट इसके नाम में गड़बड़ है, ये वाला नाम होना चाहिए था, स्पायरो 2,4-हेप्टा-4,6-डाइन, ठीक है।
यहाँ पे यूज वाले चीज़ को आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि नंबरिंग जो है स्पायरो सिस्टम में स्मॉल मेंबर रिंग से स्टार्ट होती है, यहाँ से इस तरह से, फिर आपको स्पायर एटम जो है उसको नंबरिंग दिया जाता है, देन इस तरह से आपको नंबरिंग करनी होती है। और जब आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ एटम लिखते हो हर एक रिंग में, तो इस वाले स्पायरो एटम को वहाँ पे नहीं लिखना होता। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं ना, ये 3 है, ठीक है, 3 है, इसके बाद यहाँ पे 2 है, तो ये 2, एंड देन यहाँ पे इस वाले ब्रिज में 1 है, तो ये 1 करते हैं। वैसे यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, इधर इस वाले ब्रिज में मान लो इधर 4 है, तो 4 देन 2, और यहाँ पे स्पायर आइटम को पकड़ूंगा तो 1, इस तरह से करना चाहिए था ना। तो ऐसे नहीं होता, स्पायर आइटम को नहीं पकड़ना होता। और यहाँ पे जैसे हम पहले लार्ज नंबर देन स्मॉल लिखते हैं, बट यहाँ पे पहले आपको स्मॉल को लिखना होता है, देन आपको बड़े नंबर को लिखना होता है। तो ये आपका नाम होना चाहिए था इस वाले कंपाउंड के लिए, तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाली मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन मोलिक्यूल इज, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, NO2 फंक्शनल ग्रुप से, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप से, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब इधर ही मैंने क्यों प्रायोरिटी दे दी, क्लोरीन को क्यों नहीं दी, तो अल्फाबेटिकल आप देख सकते हो ब्रोमीन पहले आ रहा है, ब्रोमीन क्लोरीन दोनों भी क्या है, सब्सिट्यूएंट्स है, और सब्सिट्यूएंट्स में हम प्रायोरिटी उसी को देते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो इस तरह से नंबरिंग करी, 3 पोजीशन पे ब्रोमो है, 5 पोजीशन पे क्लोरो है, और हमारे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। और अल्फाबेटिकली ब्रोमो का बी पहले आएगा, क्लोरो का सी बाद में आएगा, तो इसकी वजह से 3 ब्रोमो 5 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। क्या बोल रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट आइसोमर ऑफ डाइथिल ईथर, ठीक है, डाइथिल ईथर, तो डाइथिल ईथर का स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला। अब इसका आइसोमर आपको यहाँ पे देखना है, एन प्रोपिल मिथिल ईथर, तो 1, 2, 3, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये, ठीक है, तो ये इसका आइसोमर है, राइट, ये वाला है ब्यूटेन 1-ol, यानी कि 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे OH, तो ये भी इसका आइसोमर है, 2-butanol, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका आइसोमर नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें क्या है, कम हो गए दो, राइट। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या दिया है, 2-methyl propan 2-ol, यानी कि प्रोपेन यहाँ पे 2-ol है और यहाँ पे 2-methyl है, मतलब ये भी आइसोमर है। तो ये चारों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर से, बट यहाँ पे ये वाला आइसोमर नहीं है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर नॉट कायरल, ठीक है, तो देखो इसमें अगर आप देखोगे ये वाला क्या है, 6 मेंबर रिंग है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम अलीन में हमें पता है क्या होता है, ये वाला जो डबल बाउंड का ये वाला प्लेन इस तरह से है, तो दूसरे डबल बाउंड का ये जो प्लेन होता है ये क्या होता है, इसको इस तरह से परपेंडिकुलर होता है, दोनों प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इस वाले क्लोरीन और ब्रोमीन को एक सेम प्लेन में मानूंगा, तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये वाला प्लेन अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये वाली रिंग सिमेट्रिकली कट हो जाएगी ना, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो डी यहाँ पे क्या होगा, कायरल नहीं होगा, तो डी तो हमारे पास आने वाला है, ये वाले दोनों ऑप्शन हट गए। अब बी और ए में देखोगे, तो बी और ए में अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप देख सकते हो ये क्या है, आपके पास अलीन सिस्टम है जैसे हमने अभी देखा, बट यहाँ पे सब्सिट्यूएंट अलग अलग है, तो इसमें क्या होगी, एक्सियल कायरलिटी होगी, इसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि आपके पास ए और डी आएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना ही इसमें असिमेट्रिक सेंटर है, ना ही इसमें एलिन या फिर क्यूमिलिन सिस्टम है, यहाँ पे मतलब सिंपली यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म, यहाँ पे ये कायरलिटी नहीं दिखाएगा, तो ऑप्शन 2 आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, असाइन एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन एज आर और एस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो सिंपली आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है। देखो फर्स्ट आइटम यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे H है, ठीक है, तो यहाँ पे सारे कार्बन है, एक H है, मतलब H की तो प्रायोरिटी लास्ट में आने वाली है, ये पक्का है। अब देखो फर्स्ट एटम कार्बन है, तो इसके साथ कौन कौन लगा है, देखो इस कार्बन के साथ आगे कार्बन लगा है, इस कार्बन के साथ आगे हाइड्रोजन लगे है, बट इस वाले कार्बन के साथ आगे ऑक्सीजन है एक, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होगी, सेकंड प्रायोरिटी इसकी, थर्ड इसकी, और हाइड्रोजन को हमने फोर्थ प्रायोरिटी दी है। तो ये जो 1, 2, 3, 4 वाला रोटेशन है क्लॉकवाइज है, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन जो है वो डैश पे भी है, यानी कि इसका आर कॉन्फिगरेशन आएगा, ठीक है, तो आर वाले ऑप्शन रखो, एस वाले हटा दो, ठीक है, क्लियर है, हटा दो इसको। तो कॉन्फिगरेशन तो हो गया हमारे पास। अब अगर हम नाम देखेंगे, यहाँ पे देखो 2 पे इथिल लिखा है और 2 पे यहाँ पे क्या लिखा है, मिथिल लिखा है, तो नंबरिंग हमने कहाँ से करी है, यहाँ से करी है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा, तो 2-methyl आएगा और उसका कॉन्फिगरेशन आर आएगा, यानी कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, आर 2-methyl 1-butanol, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइन एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन एज आर एस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अगेन आर एस कॉन्फिगरेशन आपको यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे आपको एक मतलब काइंड ऑफ फिशर फॉर्म ही दिया है, इसको फिशर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर, सोहर्स फॉर्म में वेलजाइज दिखा है, बट इसको आप फिशर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके का फॉर्म है। देखो यहाँ पे आपके पास CH3 है, मिथिल लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे CH3 है, इधर आपके पास ब्रोमीन है, इधर आपके पास ब्रोमीन है, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या है, H है,
यहाँ पे आपके पास H है, इधर आपके पास ब्रोमीन है, इधर आपके पास H है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखो, इसको मैंने फिशर फॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट किया, नंबरिंग करूँगा। ब्रोमीन की फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी, थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं, ब्रोमीन की आएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो इस वाले कार्बन के साथ आगे ब्रोमीन है, बट यहाँ पे कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी नीचे आ गई, थर्ड प्रायोरिटी मिथिल की, फोर्थ प्रायोरिटी इसकी, ठीक है। तो अब आप देखते हो 1, 2, 3 वाला रोटेशन जो है ये एंटी क्लॉक वाइज है, एस कॉन्फिगरेशन होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, एच जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हमें पता है फिशर फॉर्म में अगर एच मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो उसको हम कॉन्फिगरेशन को चेंज करेंगे, ये एस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक असिमेट्रिकल सेंटर का एस आ गया। अगेन यहाँ पे देखो ब्रोमीन की फर्स्ट प्रायोरिटी, इधर इस ग्रुप की सेकंड प्रायोरिटी, मिथिल की थर्ड प्रायोरिटी, हाइड्रोजन की फोर्थ प्रायोरिटी। अब देख सकते हो 1, 2, 3 वाला रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है, तो इसका भी एस होना चाहिए था, बट यहाँ पे भी एच जो है ओरिजेंटल लाइन पे, इसको भी चेंज करेंगे आर में, मतलब दोनों असिमेट्रिक सेंटर का कॉन्फिगरेशन आर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आर एस लिखा है, एस एस लिखा है, यहाँ पे एस आर लिखा है, तो ये गलत गलत गलत, ऑप्शन फोर करेक्ट है, 2R3R 2-3 डायब्रोमो ब्यूटेन, ऑप्शन फोर आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए वहाँ पे या तो असिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए या फिर किसी ना किसी प्रकार की कायरलिटी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला असिमेट्रिक सेंटर है, ठीक है, ये वाला मोलिक्यूल जो है असिमेट्रिक सेंटर के कारण क्या है, कायरल है, और ये अपने मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, तो बी तो आपके पास आएगा। सी की बात करोगे, देखो अलिन सिस्टम है, इसमें क्या है, अलग अलग सब्सटेंस लगे हैं, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें क्या है, एक्सियल कायरलिटी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सी भी आएगा, तो बी हो गया, सी हो गया। अब डी की अगर हम बात करें, क्या है, CH3 है, यहाँ पे CHOH है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, COH, मतलब यहाँ पे भी ये वाला असिमेट्रिक सेंटर है, तो ये भी कायरल है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आपके पास यहाँ पे डी भी आ गया, तो बी सी और डी ऑप्शन वन आपके पास करेक्ट। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे भी असिमेट्रिक सेंटर नहीं है, यहाँ पे भी असिमेट्रिक सेंटर नहीं है, सिंपली ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, वो भी कैसे, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, मतलब मान लो एक में क्या है, ये वाले दोनों OH जो है वो इस तरीके से वेज पे मान लो सेम साइड में, और दूसरा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, एक में मान लो ये वाला OH वेज पे, तो दूसरा डैश पे, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म सिर्फ इसमें पॉसिबल है, जिसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ऑप्टिकल नहीं। तो आपके पास बी सी और डी आएगा, ऑप्शन वन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो करेक्टली लिस्ट द कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। तो हमें पता है अगर हम साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फर्मेशंस की बात करेंगे तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, ठीक है ना, ये इस तरह से होता है, देखो ये, ठीक है। सबसे कम एनर्जी वाला यानी कि सबसे स्टेबल जो कॉन्फर्मेशन होता है वो कौन सा होता है आपके पास, चेयर होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला यानी कि सबसे अनस्टेबल कॉन्फर्मेशन कौन सा होता है आपके पास, हाफ चेयर होता है, ठीक है। अगर चेयर के बाद कोई स्टेबल होता है तो वो कौन होता है आपके पास, ट्विस्ट बोट, राइट, ट्विस्ट बोट होता है, और ट्विस्ट बोट के बाद यहाँ पे होता है बोट, तो ये वाला रहता है आपका एनर्जी ऑर्डर। तो आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, देखो किसकी, इंक्रीजिंग एनर्जी पूछा है, तो यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, तो हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, देखो हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज़्यादा, ये वाले दोनों हो सकते हैं, ये हट गया, ये हट गया, और यहाँ पे चेयर की एनर्जी सबसे कम, ये भी है। अब ट्विस्ट बोट और बोट में देखेंगे तो बोट की एनर्जी ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे लिख के दिया है, यानी कि एनर्जी का ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन वन करेक्ट आएगा, आपको एनर्जी का ऑर्डर ही पूछा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं पूछा, तो चेयर की सबसे कम, ट्विस्ट बोट की उसके बाद, देन बोट एंड देन हाफ चेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कार्बन इन द 2-methyl cyclohexanone इज कायरल, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या है, इस तरह से मान लो मिथिल वेज पे लगा है, एच आपका डैश पे लगा है, तो चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे इस वाले कार्बन नंबर 2 पे, तो वो क्या है आपके पास, यहाँ पे एसिमेटिक सेंटर है, कायरल सेंटर है, तो ऑप्शन आपके पास 3 आएगा, ओनली C2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एडिशन ऑफ मिथिलिन फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ डाइजोमिथेन टू अल्कीन, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है आपके पास, मान लो सिंपली इस तरह से अल्कीन है, अब यहाँ पे क्या है, डाइजोमिथेन यानी कि CH2N2 डाला है, और यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन डाली है, क्या प्रोडक्ट आएगा, सिंपली आपके पास यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनेशन होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास CH2N NN, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये डाइजोमिथेन है, जैसे इसको फोटोकेमिकल कंडीशन मिलेगी यहाँ से N2 गैस रिलीज होगा और आपके पास CH2 कार्बिन बनेगी, ठीक है। और इसके क्या हो रही है, इस CH2 कार्बिन की इस अल्किन के ऊपर साइक्लो एडिशन हो रही है, जिसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो
द स्टीरियोस्पेसिफिसिटी इज लॉस्ट व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस. ठीक है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, एडिशन ऑफ मिथिलीन टू डबल बॉन्ड इज स्टीरियो स्पेसिफिक. तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, जो मान लो जो सिस अल्किन होता है वो सिस प्रोडक्ट दिखाता है, जो ट्रांस होता है वो ट्रांस दिखाता है. इच ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म्स सिस एडिशन प्रोडक्ट. ठीक है, द स्टीरियो स्पेसिफिक ऑफ द रिएक्शन इज ड्यू स्टीरियो स्पेसिसिटी. ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिएक्शन इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ ट्रिपलेट मिथिन. तो देखो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है. सी एच टू कार्बिन जो है वो क्या होती है, यहाँ पे एक्सेप्शनली ट्रिपलेट कार्बिन होती है, ये सिंगलेट नहीं होती. और साइक्लोएडिशन जो होती है कार्बिन की अल्किन के ऊपर, अगर आपके पास सिंगलेट कार्बिन है, अगर आपके पास सिंगलेट कार्बिन है तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है ज़्यादा. ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन है तो उस केस में क्या होती है, यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं होती, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी एच टू ट्रिपलेट कार्बिन है तो यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक बोला गया, तो ये गलत स्टेटमेंट है. यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट मीजो फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मीजो बताना है. स्ट्रक्चर देखो क्या क्या दिया है, 2,3 ब्यूटेन डायल. तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख लेता हूँ, ब्यूटेन है मतलब यहाँ पे मिथिल होगा, यहाँ पे मिथिल होगा, और ये इस तरीके से 2,3 ब्यूटेन डायल, यानी कि OH है, OH है, H है. तो देखो यहाँ पे एक असिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे है, एक असिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये मीजो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो 1 तो हमारे पास आएगा ही आएगा, तो ये हट गया. और यहाँ पे हाँ, इसके बाद क्या है, 2,3 पेंटेन डायल, 2,3 पेंटेन डायल. तो पेंटेन डायल की अगर हम बात करेंगे तो ये मिथिल है, ये मिथिल है, यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 और 5. ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 फाइव कार्बन की चेन है, जिसमें 2 और 3 पोजीशन पे क्या है, OH है. ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे क्या हो, H होगा. तो अब आप देख सकते हैं इसमें तो 2 असिमेट्रिक सेंटर है, बट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि ये मीजो फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो 2 नहीं आएगा, यानी कि 1 और 2 नहीं आ सकता. ठीक है, ओनली 1 हो सकता है, या फिर 1 एंड 3 हो सकता है. अब 3 की अगर मैं बात करूँगा, 2, 4 पेंटेन डायल है, मतलब सिंपली ये जो पेंटेन डायल है इसमें 2 और 4 पोजीशन पे है OH. यानी कि मैं इसी में अगर दिखा दूँ तो यहाँ पे ऐसे है. ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये वाला इस तरह से मीजो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि 2, 1 और 3 आएगा. ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम द रिएक्शन विल बी द मिक्सचर ऑफ. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3 डायस्टीरोमर्स. कैसे, MCPBA दिया है, हमें पता है MCPBA क्या करेगा, इस वाले डबल बॉन्ड का इपोक्सिडेशन करेगा. और क्योंकि यहाँ पे OH प्रेजेंट है, तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट आएगा उसमें क्या होगा, इपोक्सिडेशन जो है वो वेज वाले साइड से ही होगी. तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला मान लो 95% आपके पास बन रहा है. बट आपके पास एक माइनर प्रोडक्ट भी होगा. ठीक है, वो किस तरीके से होगा, जिसमें यहाँ पे इपोक्साइड रिंग जो है वो डैश पे बनी हो, राइट. और आपका OH जो है वो की तो पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो वो तो वेज पे रहेगा. अब इन दोनों के बीच का अगर आप रिलेशनशिप देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स तो है, बट यहाँ पे एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, यानी कि डायस्टीमर से. तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ डायस्टीमर मिलेगा, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है. हाइपर कॉन्जुगेशन ऑकर्स इन. ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या होना चाहिए, मान लो इस तरह से क्या है, ये वाला कार्बोकैटन है, यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है मान लो. ठीक है, और यहाँ पे इसका नेक्स्ट कार्बन जो है जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसके ऊपर इस तरह से अगर हाइड्रोजन से फ्री हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे वाला सी एच सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन. तो क्या होना चाहिए, जो भी यहाँ पे मतलब डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बोकैटन हो, तो उसके पी ऑर्बिटल जो है उसके नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे सी एच बॉन्ड होना चाहिए. ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, यहाँ पे सी एच बॉन्ड नहीं है, तो ये नहीं हो सकता. यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये वाला डबल बॉन्ड है, बट इसके नेक्स्ट कार्बन में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है. ऑप्शन 2 करेक्ट आएगा, इसमें नहीं होगा, यहाँ पे इसमें भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ये वाले दोनों भी इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इन चीज़ों पे ध्यान देना था आपको, करेक्ट इनकरेक्ट जो भी पूछ रहा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण. तो क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन परसिस्ट इवन व्हेन द चार्ज इज रिमूव्ड. ठीक है, ये वाला क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. इट इज़ परमानेंट इफेक्ट, तो ये भी इनकरेक्ट है. ठीक है, वो क्या होता है, टेम्पररी होता है, रिएजेंट के प्रेजेंस में वाला इफेक्ट हम देखते हैं. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज
दैट विच फैसिलिटेट रिएक्शन. तो देखो ये वाला जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मान लो मेरे पास ये वाली इस तरह से क्या है अल्किन. अब मैं इसकी कर रहा हूँ हाइड्रोबोरेशन, ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसकी हाइड्रोबोरेशन कर रहा हूँ. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जब हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो बोरॉन को इस वाले कार्बन पे लगाते हैं, हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन पे लगाते हैं. क्यों? क्योंकि हम ऐसे देखते हैं ना ये वाला मिथिल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन करके यहाँ पे इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है और ये क्या करेगा बोरॉन के प्योर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा, हाइड्रोजन इधर देगा. अब ये जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का इस तरह से मूवमेंट दिखाया, ठीक है, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंसिडर किया, ये जब आपके सामने रिएजेंट है तभी कर रहे हैं ना, मतलब रिएजेंट के प्रेजेंस में हम ये वाला इफेक्ट देख रहे हैं. और यहाँ पे क्या हो रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज दैट विच फैसिलिटेट रिएक्शन. जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो इसी तरह से होगी कि वहाँ पे रिएक्शन का प्रोडक्ट बने, रिएक्शन फैसिलिटेट हो वहाँ पे. तो ये आपका क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है. इसमें क्या बोल रहा है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द मेजर ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है. तो ये गलत स्टेटमेंट है. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पोलराइजेबिलिटी तो देखते हैं हम उसमें, राइट. तो ये वाला फोर वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गिवन रिएक्शंस एज एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द गिवन रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे रिएक्शंस बताने हैं कौन सी क्या रिएक्शन है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे सिंपली सी एन माइनस इस वाले कार्बन पे अटैक करके ब्रोमिन को बाहर निकाल रहा है और वो अपनी उसकी जगह खुद ले रहा है. तो ये क्या हो रहा है सब्स्टिट्यूशन. तो फर्स्ट तो सब्स्टिट्यूशन है ये वाले हो सकते हैं, ये हट गया. यहाँ पे क्या हो रहा है देखो एसिड कैटलिस्ट है, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये इस तरह से प्रोटोनेट होकर गुड लिविंग ग्रुप बन रहा है और सिंपली यहाँ से H और यहाँ से ये निकल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है इलिमिनेशन हो रहा है. तो सेकंड वन इलिमिनेशन हो सकता है यहाँ पे है और यहाँ पे भी है. यहाँ पे क्या हो रहा है देखो हीटिंग कंडीशन है, सिंपली साइक्लोएडिशन रिएक्शन हुई है. इस तरह से आपके पास क्या है ये वाला डायन है और आपके पास ये वाला आपके पास इधर डायनोफाइल है. तो यहाँ पे होगी इस तरह से डील सेलर रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन. 4+2 क्यों? क्योंकि डायन से 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे डायनोफाइल से 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट ओवरऑल ये क्या है साइक्लोएडिशन है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है. तो यहाँ पे एडिशन है, इधर रीअरेंजमेंट बोला गया, ये हट गया, ये भी हट गया. ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है. लास्ट वाली क्या है सब्स्टिट्यूशन. क्या हो रहा है देखो यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड फोटोकेमिकली इस तरह से ब्रेक हो रहा है. यहाँ पे भी CH वाला बॉन्ड जो है वो फोटोकेमिकली इस तरह से ब्रेक हो रहा है और आपके पास जो इधर ये वाला रेडिकल बन रहा है इसके साथ एक NO2 रेडिकल जो है वो आके आपका लग रहा है. मतलब बेसिकली इस H को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है NO2 ने, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन, राइट. ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन. क्या क्या है NaOH दिया है देखो, ठीक है. बेस है, ऑब्वियसली बात है एसिड बेस रिएक्शन होगी. सल्फर वाला प्रोटॉन क्या है एसिडिक है, तो OH- क्या करेगा इस वाले प्रोटॉन को निकालेगा, इधर बना देगा S-. तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या आ गया देखो S- है, देन यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपके पास ये इस तरीके से इपोक्साइड रिंग है. तो जैसे S- बन गया ये क्या है अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या करेगा इधर अटैक करेगा और इस वाले रिंग को कर देगा ओपन. तो 1, 2, 3, 4 और 5 सल्फर कंटेनिंग इस तरह से 5 मेंबर रिंग बनेगी जिसमें क्या है सल्फर का अटैक जहाँ पे हुआ है वहाँ पे इस तरह से CH2 और O- है. इसका मैं वर्कअप कर दूंगा तो ये बन जाएगा OH, यानी कि आपका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा. 5 मेंबर रिंग स्टेबल भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर रेजोनेंस. ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है. देखो क्या बोल रहा है लोअर द रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर इज स्टेबलाइजेशन. देखो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है. लोअर रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर स्टेबलाइजेशन बोल रहा है. हमें पता है जितना ज़्यादा यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा और जितना कम रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना कम स्टेबलाइजेशन होगा. यहाँ पे लोअर रेजोनेंस एनर्जी और ग्रेटर स्टेबलाइजेशन बोल रहा है, मतलब ये गलत है. तो यही हमारा करेक्ट आंसर है. बाकी स्टेटमेंट जो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है देखो, देखते ही रिएजेंट और सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट देख के आपको समझ में आना चाहिए. अल्फा क्लोरो कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें बेस के प्रेजेंस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. तो हमारे पास फेवर्स की रिअरेंजमेंट है, ठीक है. फेवर्स की रिअरेंजमेंट रिएक्शन है. यहाँ पे क्या होगा आपके पास ये वाला बेस पहले यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को निकाल रहा है, ठीक है. OCH3- है, ये इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को निकाल रहा है, यहाँ पे बना रहा है कार्बनायन, ठीक है. ये वाला क्या है कार्बनायन आपके पास इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है. इसके बाद ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर रहा है, Cl को निकाल रहा है बाहर, जिसके थ्रू हमारे पास यहाँ पे इस तरह से 3 मेंबर रिंग यानी कि एक साइक्लोप्रोपेनोन डेरिवेटिव बन रहा है. इसके बाद आपके पास जो मतलब OCH3 है OMe जो है ये क्या कर रहा है यहाँ पे अटैक कर रहा है, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाके वापस आएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बनायन इधर बनेगा. तो आपके पास ये इस तरह से 3 मेंबर रिंग है,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपके पास ओ एम ई है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। लास्ट में वर्कअप कर देंगे मिथेनॉल के साथ, प्रोटोनेशन कर देंगे, ये इस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है। फेवर्स की रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रही है थ्रू कार्बन एंड इंटरमीडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन सिंगलेट कार्बन। तो सिंगलेट कार्बन ने, कार्बन में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कार्बन का, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कंसीडर द फॉलोइंग थ्री हैलाइड्स, अरेंज कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस हैलाइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे क्या है, CH3CH2 और सिंपली यहाँ पे क्लोरीन है, इसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये वाला कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है और आपके पास यहाँ पे बेंजीन रिंग दी है एंड देन इसके साथ यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो देखो कार्बन क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे, पहले सिंपली इन दोनों में कंपेयर करो, क्या है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। हमें पता है ये वाली जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ होगी एस कैरेक्टर की वजह से ये वाला बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा। इसमें एस कैरेक्टर क्या है, कम है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है। वन और टू में कंपेयर करेंगे तो बॉन्ड लेंथ जो है वन में ज़्यादा होगी, तो वन में कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी टू से, ये तो पक्का है। अब अगर हम थ्री की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे एस कैरेक्टर तो ऑलरेडी ज़्यादा है ही है, यहाँ पे क्या है मतलब बॉन्ड शॉर्ट है, बट साथ ही साथ यहाँ पे क्लोरीन की जो लोन पेयर है रिंग के साथ कॉन्जुगेट भी कर सकती है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड क्या होगा और शॉर्ट बनेगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे ये थ्री की सबसे लास्ट में आएगी बॉन्ड लेंथ, तो वन टू थ्री ऑप्शन टू आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग अरेंज विच ऑर्डर इज करेक्ट फॉर देयर नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी मतलब क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपको यहाँ पे बताना है किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा हो रहा है, किसमें कम हो रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल सी चीज़ देखो, अगर हम देखेंगे वैसे अब यहाँ पे रिंग का डबल बॉन्ड है उसके साथ भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, अगर हमें कंपेयर ही करना है, क्वेश्चन ही उसी तरीके से पूछा गया है, तो रिंग का जो डबल बॉन्ड है उसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है और हमें पता है उसके लिए क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन पे नंबर ऑफ प्रोटॉन होने चाहिए ज़्यादा। तो यहाँ पे थ्री प्रोटॉन है, यहाँ पे आप देख सकते हो टू प्रोटॉन है, यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है और यहाँ पे एक भी नहीं है, मतलब जो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे, तो वन टू थ्री फोर ये वाला हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द अबो रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है। देखो सब्सट्रेट और रिएजेंट देख के समझ में आना चाहिए आपके पास, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है। किस तरह से रिएक्शन होगी, सिंपली देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको अरिल रिंग लिख देता हूँ, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ एम ए लगाए तो अरिल लिख लेता हूँ, ए आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपके पास एच है, ठीक है, एन ए सी एन या फिर के सी एन दिया जाता है, जो के सी एन है इसमें से सी एन माइनस जो है यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बना देगा ओ माइनस, तो यहाँ पे अरिल रिंग, देन यहाँ पे आपके पास ओ माइनस बन गया, इधर सी एन है और इधर आपके पास क्या है एच है। अब ये वाला सी एन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप है, इसके वजह से ये वाला एच क्या है एसिडिक है, तो ये वाला ओ माइनस क्या करेगा, इस एच का अब्सट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे बना देगा। अब मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे ए आर, इधर आपके पास ओ एच, यहाँ पे आपके पास सी एन है और इधर आपके पास बन गया निगेटिव चार्ज। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है इसका और एक मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे आपके पास ए आर सी डबल बॉन्ड ओ देन एच, तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, इसको बना देगा ओ माइनस। तो मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे मिल गया, देखो ये ए आर यहाँ पे आपके पास बन गया O माइनस, अटैक कहाँ से हुआ है, उस वाले कार्बन से जिसके ऊपर यहाँ पे एक तो सी एन लगा है, एक एरिल रिंग लगी है और एक आपके पास ओ एच लगा है। बाद में क्या होगा, सिंपली ये वाला ओ माइनस इस एच को अपसेट करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और सी एन अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एरिल रिंग, यहाँ पे मेरे पास ओ एच, देन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ए आर, ये रहेगा मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट। कहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाला इधर है, ऑप्शन थ्री आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इवन इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इलिमिनेशन रिएक्शन में जो इवन मैकेनिज्म होता है उसके लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, देखो द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो आ गया हमारा यही करेक्ट आंसर होने वाला था, क्या क्या बोल रहा है कि बेस का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन का रेट यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, बट ये क्या है गलत स्टेटमेंट, और यही हमें बताना था, तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट होगा। इवन मैकेनिज्म में क्या होता है, मान लो मेरे पास इस तरह से क्या है एक टर्शियरी हैलाइड है, फर्स्ट स्टेप जो होता है क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ से ये बाहर चला जाएगा लिविंग ग्रुप और यहाँ पे आपके पास बनेगा ये वाला कार्बोकैटायन, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, इसकी वजह से ये वाला जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है और यही इसी की वजह से ये वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपके पास जो भी बेस होगा वो क्या करेगा, यहाँ से
आपका प्रोटॉन निकालेगा और इधर आपके पास डबल बॉन्ड बना देगा और ये आएगा आपके पास प्रोडक्ट। और ये वाला स्टेप जो होता है, क्योंकि ये वाला इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये वाला स्टेप फास्ट होता है। एसिड बेस रिएक्शन भी है इसलिए वाला स्टेप फास्ट होता है। तो ये वाला फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है, जिसमें सिर्फ ये वाला सब्सट्रेट यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट करता है। तो रिएक्शन का रेट जो है इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होता है, बेस के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नहीं। तो चाहे आप बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो कम कर दो, वहाँ पे रिएक्शन के रेट में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपके पास वन यहाँ पे करेक्ट आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या है देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्साइम में एसिडिक कंडीशन दी है, रीअरेंजमेंट होकर अमाइड बना है, बेकमन रीअरेंजमेंट है आपके पास, राइट। ऑप्शन वन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको रिएक्शन करके दी है, प्रोडक्ट बी जो है आपको यहाँ पे बताना है, बी इन द अबो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज, ठीक है। क्या है आप देख सकते हो, आप ऐसा है वाला एक क्वेश्चन और देख चुके हैं हम, फेवर्स की रीअरेंजमेंट ही है यहाँ पे। किस तरह से रिएक्शन होगा देखो, चार सी एच टू है यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से, ये वाला क्या है आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, देन यहाँ पे आपके पास OAT है, इसके बाद CH2 और ये एक CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और दूसरा ये वाला OAT है। KH है, बेस है, क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा। अब दोनों भी कार्बोनिल ग्रुप सेम है तो कहीं से भी निकालो, एच माइनस क्या करेगा, इस वाला एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, यहाँ पे बना देगा निगेटिव चार्ज। अब यह जो इनोलेट बन गया है ये क्या करेगा, जो आपके पास कार्बोनिल कार्बन है इसके ऊपर अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाके वापस आएगा और OAT लिविंग ग्रुप है इसको बाहर निकाल देगा। कितने मेंबर रिंग बनेंगे देखो, ये वाला कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे अटैक हो रहा है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, और यहाँ से अटैक हो रहा है ये फाइव, और जहाँ से अटैक हो रहा है वहाँ पे क्या है आपके पास, ये वाला इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ OAT ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है। देन क्या है देखो, हाइड्रोलिसिस किया गया है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देन हाइड्रोलिसिस के बाद डीकार्बोक्सिलेशन, अब डीकार्बोक्सिलेशन अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से CO2 गैस निकलेगी हीटिंग कंडीशन में, जिसके वजह से यहाँ पे CO2 गैस क्यों निकल रही, क्योंकि यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन से स्टेबल है, और लास्ट में इसका अगर मैं प्रोटोनेशन कर दूंगा तो ये मेरा साइक्लोपेंटेनॉन रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट ऑप्शन फोर आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर प्रोडक्ट ए इज, कौन सी रिएक्शन है, पिनाकोलोन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सिंपली देखो, पहले H2SO4 के प्रेजेंस में वही OH प्रोटोनेट होगा, जहाँ पे OH निकलने के बाद स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। तो देखो यहाँ पे ए और ये वाला OH निकलेगा तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो टर्शियरी है, बट इस CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहाँ से अगर निकलेगा तो बेंजीन का कॉन्जुगेशन है, मतलब यहाँ पे स्टेबल ज़्यादा कार्बोकैटायन है। तो क्या होगा, पहले H2SO4 के प्रेजेंस में ये वाला OH जो है वो प्रोटोनेट होगा और यहाँ से ये बाहर निकलेगा। तो मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पीएच, इस वाले कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देन इस वाले कार्बन पे यहाँ पे आपके पास क्या है, OH है, एक CH3 है, ठीक है, और एक आपके पास H है। अब क्या होगा, सिंपली जब ये वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ से एक ग्रुप माइग्रेट करेगा, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर हम देखेंगे H, PH और R होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अल्किल के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, तो आपका जो हाइड्राइड है यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा। तो मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे बना, PH, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आके लग गए, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप और इधर आपके पास मिथिल, ये आपका रहेगा फाइनल प्रोडक्ट, ऑप्शन आपका थ्री करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखो कौन सी रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पे, जैसे मतलब नॉर्मली हमारे हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में वगैरह होता है वैसे ही। स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे क्या है, सिंपली एक इस तरह की फाइव मेंबर रिंग है, यहाँ पे आपके पास पीएच लगा हुआ है, देन यहाँ पे ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे एन सिंगल बॉन्ड, एन ट्रिपल बॉन्ड, एन, यानी किस तरह से क्या है आपके पास, ये वाला एजाइड वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हीटिंग कंडीशन दी जाएगी, टोलियन क्या है, सॉल्वेंट है, हीटिंग कंडीशन में यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। अब जब भी इस तरह से निगेटिव चार्ज लेके कोई लिविंग ग्रुप चला जाता है तो यहाँ पे कार्बिन या फिर नाइट्रीन बनती है, क्योंकि नाइट्रोजन है तो यहाँ पे बनेगी ये वाली नाइट्रीन, ठीक है, यहाँ पे आपके पास पीएच। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो रीअरेंजमेंट वाले दिख रहे हैं, तो यहाँ पे टोलियन में क्या होगा, जो यहाँ पे नाइट्रीन है वो रीअरेंज हो सकती है आइसोसाइनाइड में, कैसे, ये वाला इधर शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो मेरे पास स्ट्रक्चर कैसे बना देखो, ये अपनी फाइव मेंबर रिंग, यहाँ पे आपके पास पीएच लगा है, देन यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके ऊपर लास्ट में डाला गया वाटर, तो वाटर का अटैक होगा इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। स्ट्रक्चर क्या बना मेरे पास, इस तरीके की अपनी फाइव मेंबर रिंग है, इधर आपके पास पीएच है, देन यहाँ पे एन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास ये वाला कार्बन है, इधर बन गया ओ माइनस, और यहाँ पे आपके पास
OH आ गया, देन ये वाला नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के ऊपर, तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा बना, ये फाइव मेंबर रिंग, इधर आपके पास PH, यहाँ पे ये नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज, देन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, प्रोटोनेशन कर देंगे ये बन जाएगा NH, बट ये क्या है कार्बामिक एसिड, ये स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, मेरे पास मिल गया कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, इधर आपके पास PH है और इस वाले कार्बन पे NH और नेगेटिव चार्ज है, इसका कर देंगे प्रोटोनेशन, ये बन जाएगा NH2, तो ये आपका रहेगा फाइनल प्रोडक्ट, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अबो रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है तो क्या हो रहा है देखो, एसिडिक कंडीशन में यहाँ पे सिंपली ये वाला OH जो है वो प्रोटोनेट हो रहा है और इस तरह से अच्छा लिविंग ग्रुप बन के निकल के जा रहा है, मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ठीक है यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन, इधर दो मिथिल ग्रुप से, ठीक है देन यहाँ से एक मिथिल ग्रुप इधर शिफ्ट हुआ है कार्बोकैटायन को और ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि कार्बोकैटायन पहले सेकेंडरी था, अब ये मिथिल जब यहाँ पे आया तो ये टर्शियरी बन गया, ठीक है और इसके बाद यहाँ पे क्या है सिंपली यहाँ से H निकला है, मतलब कौन सी रिएक्शन है ये, वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी सिंथेसाइज यूजिंग पाल नॉर मेथड, तो हमें पता है फ्यूरान के लिए भी पाल नॉर सिंथेसिस होता है और पायरोल के लिए भी पाल नॉर सिंथेसिस होता है, पिरिडिन के लिए कौन सा होता है हैंस पिरिडिन सिंथेसिस, तो ये नहीं होगा, पायरोल फ्यूरान दोनों आएगा, यानी कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द बियर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर फॉर द माइग्रेशन ऑफ अल्किल ग्रुप, तो हमें पता है बियर विलेजर ऑक्सीडेशन में जो भी अल्किल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाता है वो यहाँ पे ज़्यादा माइग्रेट करता है, और हमें पता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो रहता है वो क्या रहता है टर्शियरी, देन आपके पास साइक्लोहेक्सिल, ठीक है देन आपके पास क्या रहता है सेकेंडरी और देन प्राइमरी, बट यहाँ पे बेंजिल दिया है तो यहाँ पे बेंजिल, देखो बेंजिल और फिनिल में कन्फ्यूज मत होना, ये इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ये इसकी बात नहीं कर रहा, बेंजिल मतलब PHCH2 ग्रुप है, ठीक है तो यहाँ पे आपके पास क्या है ये वाला करेक्ट आंसर रहेगा टर्शियरी का सबसे ज़्यादा, ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपके पास साइक्लोहेक्सिल देन सेकेंडरी देन बेंजिल, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, थैलीमाइड दिया है, यहाँ से NaOH के साथ रिएक्शन करके ए फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे NaBr के साथ यहाँ पे बी फॉर्म हो रहा है, बी का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बताना है, नाम आपको बताना है, रिएक्शन क्या हो रही है देखो, इसके लिए आपको थैलीमाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था, कुछ इस तरीके से होता है आपके पास थैलीमाइड का स्ट्रक्चर, यहाँ पे N, इधर C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, NaOH दिया है, जो OH माइनस है क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाके वापस आएगा, इसको इधर शिफ्ट कर देगा, जिसका वर्कअप करने के बाद मेरे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या मिल गया, इधर मेरे पास C डबल बॉन्ड OH बन गया, इधर मेरे पास C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब देखो ये जो रिएजेंट है किस रिएक्शन का रिएजेंट है, हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इसके वजह से क्या होगा जब हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन NaOBr के साथ करेंगे, जो ये Br प्लस है ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पे ब्रोमिनेट हो जाएगा, जिसके वजह से मुझे स्ट्रक्चर किस तरीके का मिलेगा, सिंपली यहाँ पे COH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक H और एक Br, ठीक है। अब देखो बेसिक कंडीशन तो रिएक्शन में यहाँ पे प्रेजेंट है ही है, ठीक है बेसिक कंडीशन में क्या होगा, ये वाला H जो है वो निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, देन यहाँ से ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके चला जाएगा, तो मेरे पास बनेगी नाइट्रीन, और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही अब ये जो नाइट्रीन है वो रीअरेंज होगी किसमें, आइसोसाइनेट में, एंड देन वाटर का अटैक एंड देन फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके की नाइट्रीन बनी है, अब ये नाइट्रीन रीअरेंज होगी आइसोसाइनेट में इस तरह से, ठीक है अपने पास ये वाली बेंजीन रिंग है, यहाँ पे COH है, यहाँ पे ये इस तरह से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है देन जब इसका हम जब हाइड्रोलिसिस करेंगे HCl जो दिया है वो प्रोटोनेशन के लिए दिया है, जब वाटर का अटैक करेंगे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा, स्ट्रक्चर किस तरह से मिल गया, बेंजीन रिंग यहाँ पे COH है, यहाँ पे आपके पास NH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या है कार्बामिक एसिड है, स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से CO2 गैस जो है वो रिलीज होगी और फाइनली मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का, जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर एडजेस्टिंग कार्बन पे यहाँ पे COH और NH2 है, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रेनिलिक एसिड, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अगेन देख सकते हो थर्ड टाइम सेम पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है फ्यूर्स की रीअरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है क्या होगा, NaOH बेस है OH माइनस, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है यहाँ पे बना देगा निगेटिव चार्ज, तो मेरे पास बन गया इस तरीके से C डबल बॉन्ड हो OH है, यहाँ पे बन गया निगेटिव चार्ज और यहाँ पे COH है, अब ये वाला निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा,
नेगेटिव ऑप्शन के ऊपर जाके वो वापस आएगा, OAT लिविंग रूप इसको बाहर निकाल देगा, रिंग फॉर्मेशन होगा, कितने मेंबर रिंग बनेगी, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और कार्बनिल कार्बन 5। तो यहाँ पे इस तरीके की 5 मेंबर रिंग बनेगी, जिसमें क्या है यहाँ पे इधर एक तो कार्बनिल ग्रुप है जहाँ पे अटैक हुआ है, और जहाँ से अटैक हुआ है वहाँ पे COAT फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस वगैरह नहीं किया, यानी कि आपका ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, द ट्रोपिलियम आयन इज, तो ट्रोपिलियम आयन क्या होता है आपके पास, एरोमेटिक होता है, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये साइक्लोहेप्टाट्राइनिल कैटायन जो होता है उसी को ट्रोपिलियम आयन बोला जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है, यहाँ पे सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सिस्टम प्लेनर है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन काउंट की अगर हम बात करेंगे 6π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, ये एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हकल रूल, ठीक है, तो हकल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कौन है बताना है। ये तो हमें पता है 4π सिस्टम है, ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये भी हमें पता है टब शेप होता है, ये प्लेनर नहीं होता, इसके वजह से ये नॉन एरोमेटिक होता है। यहाँ पे क्या है, ये भी आपके पास क्रैक्स रूल के अकॉर्डिंग नॉन एरोमेटिक है, बट ये वाला क्या है, फ्यूरान है, इसमें 6π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज एटम से प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, सिस्टम प्लेनर है, तो ऑप्शन 4 आपका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एल्डिहाइड्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कीटोन्स बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, तो ए में क्या बोल रहा है, वीक CH स्ट्रेचिंग एब्सॉर्प्शन ऑफ CHO ग्रुप इन द रीजन 2830-2695 सेंटीमीटर इनवर्स। बी में क्या बोल रहा है, वीक CH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग एब्सॉर्प्शन इन द रीजन 975-780 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किस तरह से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे हम एल्डिहाइड को कीटोन से डिफरेंट मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन में ये वाला जो CH का जो आउट ऑफ बेंडिंग एब्सॉर्प्शन है वो तो दोनों में ही होगा, तो इससे तो नहीं कर पाएंगे। ये जो एल्डिहाइड के साथ ये जो CH बॉन्ड लगा है इसका जो यहाँ पे वीक एब्सॉर्प्शन होगा जो कि आपको इस वाले वैल्यू पे मिलेगा, इसके थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, ओनली ए करेक्ट आएगा आपका, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी इन फ्यूरान पायरोल एंड थायोफिन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ रिंग करंट। तो हमें पता है यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, आपके पास ज्यादा एरोमेटिक जो होता है वो होता है थायोफिन, देन आपके पास यहाँ पे होता है पायरोल, ठीक है, देन आपके पास होता है यहाँ पे फ्यूरान, और फ्यूरान क्योंकि लेस एरोमेटिक है इसके वजह से ये डिल्सल्डर रिएक्शन में वगैरह पार्टिसिपेट करता है बट ये इजिली नहीं करते, तो ये रहेगा आपके पास ऑर्डर थायोफिन पायरोल और फिरान, ठीक है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बी इन द अबो रिएक्शन सिक्वेंसिस, ठीक है, क्या होगा, देखो पी एच एलाई स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑब्वियसली बात है PH- लिथियम प्लस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये वाला ये एसिडिक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही PH- इस प्रोटॉन को निकालेगा जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा वो रिंग के साथ यहाँ पे मतलब रिंग का नाइट्रोजन जो है उसके साथ कॉन्जुगेशन से स्टेबल है, ठीक है, नाइट्रोजन के -m फिट के कारण स्टेबल है, तो यहाँ पे बन गया निगेटिव चार्ज, देन इसके मतलब ए का जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये वाला एनायन बन रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, देखो CO2 दिया है तो C डबल बॉन्ड O है, ये वाला कार्बन क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बना देगा O-, तो स्ट्रक्चर क्या मिल गया हमारे पास, ये वाली पिरिडिन रिंग है, यहाँ पे इस तरीके की डबल बॉन्ड है, देन यहाँ पे CH2, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास है O-, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा इस तरीके का प्रोडक्ट, तो पिरिडिन रिंग के साथ CH2COH, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। द मेजर द प्रोडक्ट ऑफ अबो रिएक्शन, ठीक है, हमें पता है ये वाली रिएक्शन हम बहुत बार देख चुके, रिंग एक्सपांशन होगा कैसे, MeLi दिया है, अब MeLi मिथिल लिथियम क्या है, देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे अगर आपके पास CH2Cl2 दिया है तो हमने एक चीज़ देखी थी, देखो जब भी आपके पास कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन बॉन्ड हो तो क्योंकि ये वाले बॉन्ड वीक है तो उस केस में जब आप यहाँ पे कोई लिथियम रिएजेंट डालोगे मतलब फिनिल लिथियम मिथिल लिथियम तो वहाँ पे क्या होता है लिथियम हैलोजन एक्सचेंज होता है, बट अगर आपके पास कार्बन फ्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से तो ये वाले बॉन्ड इतने वीक नहीं होते और फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसके वजह से ये क्या करते हैं इन वाले H की एसिडिटी बढ़ा देते हैं, तो इस केस में क्या होगा एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो ये वाला मिथिल लिथियम क्या करेगा इस H के एब्स्ट्रैक्ट करेगा निगेटिव चार्ज यहाँ पे बना देगा, तो मेरे पास बन गया CCl2 और यहाँ पे एक H बच गया है इधर निगेटिव चार्ज है, अब ये क्या करेगा क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस निगेटिव चार्ज को लेकर चला जाएगा तो मेरे पास ये वाली कार्बिन बनेगी देखो CHCl2 और इसकी यहाँ पे साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगी किसके
के साथ, स्पैरोल के साथ, ठीक है। तो सिंपली क्या है, CHCl कार्बिन है, इसके क्या होगी यहाँ पे स्पायरल के साथ अदर साइकिल एडिशन रिएक्शन होगी, जिसके थ्रू मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ यहाँ पे ये नाइट्रोजन वाली 5 मेंबर रिंग लगी है, और यहाँ पे ये साइकिल एडिशन का प्रोडक्ट आ गया जिसमें एक H और एक Cl है, ठीक है, दोनों Cl नहीं बचेंगे यहाँ पे इस तरह से, या फिर दोनों Cl भी नहीं निकल के जाएंगे पहले ही। अब ये हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, इधर एक मिथिल है, देखो यहाँ पे एक मिथिल है, अब आप देख सकते हो ऐसा वाला प्रोडक्ट तो देख लेने, बट रिंग एक्सपेंशन वाला प्रोडक्ट है, कैसे कर सकते हैं, सिंपली ये वाला नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला Cl बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो गया, जिसमें ये जो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रही है, इधर मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे ये वाले डबल बॉन्ड ऑलरेडी थे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड बने, तो पॉजिटिव चार्ज जो Cl- यहाँ से बाहर निकला है वो इस H+ को ले लेगा और इसको कर देगा न्यूट्रल, तो ये रहेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ऑप्शन 1 है जो है वो करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन अबो रिएक्शन। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, NaNO2HCl दिया है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन किया है जिसमें हमें पता है NH2 जो है वो गुड लिविंग ग्रुप यानी कि N2+ में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे हुआ है, एंड देन यहाँ पे H2PO4 डाला है। इसका काम क्या होता है, सिंपली कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आके लगेगा, यानी कि आपका प्रोडक्ट 4 जो है वो करेक्ट बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकअप द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। क्या हुआ है, देखो आपके पास एंथ्रासीन दिया है और आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड दिया है, जो कि क्या अच्छा डायनोफाइल है, आपको प्रोडक्ट बताना है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या होता है, एक डाइन की तरह एक्ट करता है और ये आपके पास डायनोफाइल है, डिलसल्डर रिएक्शन होगी, बस आपको ये देखना था कि कौन सा यहाँ पे रिंग जो है वो रिएक्ट करेगा। तो हमें पता है ये जो 9 और 10 पोजीशन होती है एंथ्रासीन में, ये वाली बीच वाली रिंग ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्यों, क्योंकि देखो अब अभी अभी के लिए क्या हो रहा है, जो भी एरोमेटिक कैरेक्टर है इस एंथ्रासीन में वो इन तीनों रिंग्स में शेयर हो रहा है, ठीक है, और कोई भी रिंग कम्प्लीटली एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे हम अगर डबल बॉन्ड दिखा देंगे इस तरह से तीनों की तीनों, तो ये वाली रिंग थोड़ी सी एरोमेटिक है कम्प्लीटली, बट ये दोनों नहीं है, ठीक है। कॉन्जुगेशन दिखा दोगे तो ये दोनों इनकम्प्लीट बनेगी, ये कम्प्लीट बनेगी, मतलब एक ही रिंग जो है वो कम्प्लीटली एरोमेटिक बन रही है, ठीक है। बट अगर मान लो इस वाले बीच वाले रिंग का एरोमेटिसिटी खत्म कर दो, तो साइड की दोनों रिंग्स ज़्यादा एरोमेटिक बनेगी और उसमें ज़्यादा स्टेबलाइजेशन आएगा, जिसकी वजह से बीच वाली रिंग ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 और 10 पोजीशन वाला जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इसकी होगी डिलसल्डर रिएक्शन, ये इधर और ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, और ये वाला आपका बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें आप देख सकते हो अब ये वाली रिंग भी कम्प्लीटली एरोमेटिक बन गई और ये वाली रिंग भी कम्प्लीटली एरोमेटिक बन गई, तो इसके वजह से बीच वाली रिंग जो है ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो डिलसल्डर रिएक्शन वही होगी और ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर आएगा। क्या बोल रहा है, देखो आइडेंटिफाई कंपाउंड फ्रॉम द स्पेक्ट्रल डाटा गिवन बिलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है आपको, 1HNMR डाटा एंड IR स्पेक्ट्रम दिया है, आपको करेक्ट स्ट्रक्चर ढूंढना है। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जाना है। पहली बात देखो, जो 1HNMR डाटा दिया है इसमें 10.95 BPM पे 1H का सिग्नल मिल रहा है, किसके लिए होता है, ऑब्वियस सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए होता है ये, ठीक है। तो या तो आपके पास यहाँ पे ये वाला हो सकता था, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला हो सकता था, ठीक है, ये एक ये हो गया। अब देखो अगर आपके पास 1H मतलब OH ग्रुप होता कंपाउंड में, OH ग्रुप होता, तो उसके लिए एक 1H सिंगलेट मिलता, ठीक है, बट हमारे पास दूसरा 1H सिंगलेट नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये भी हट गया है वैसे भी। अब ये दोनों बचते हैं, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में यहाँ पे दो CH2 ग्रुप है और इसमें एक ही CH2 ग्रुप है, ठीक है, जो यहाँ पे सिंगलेट दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला CH2 जो है वो सिंगलेट दे सकता है, ये वाला CH2 इसके साथ ट्रिपलेट देगा, ये वाला CH2 इसके साथ ट्रिपलेट देगा, और ये वाला CH2 इसके साथ क्वार्टेट देगा, बट इसमें एक ही सिग्नल ऐसा है जो यहाँ पे सिंगलेट दे सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2H का जो है सिंगलेट मिल रहा है, 3.66 पे 2H का सिंगलेट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है सीधा ऑक्सीजन के साथ लगा है, तो इसके वजह से यहाँ पे 3.66 ppm पे सिग्नल मिल रहा है और 2H का सिंगलेट है, तो ये इसके लिए हो सकता है, ये वाला सिग्नल इस वाले कंपाउंड में नहीं आ सकता, तो ये भी हट गया, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इस तरह से वाला करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एस ऑफ फ्रेगमेंटेशन टू फॉर्म आयंस इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो ऑप्शंस देखोगे तो सारे कार्बोकैटायंस फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, हमें पता है वही जो फ्रैगमेंट है वो फॉर्म होगा जो स्टेबल होगा, तो यहाँ पे सिंपली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, इसके वजह से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन 2 आएगा, जो बेंजिल कार्बोकैटायन फिनिल कार्बोकैटायन होगा, यहाँ पे बेंजिल कार्बोकैटायन वो ज़्यादा स्टेबल है, देन आपके पास टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन 0 degree, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है, जितना स्टेबल होगा फ्रैगमेंट उतना वो जल्दी फॉर्म होगा, तो एस ऑफ फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा रहेगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एसर्शन दिया है आपको और यहाँ पे रीजन दिया है, इसमें आपको करेक्ट क्या क्या है ये बताना है। तो एसर्शन क्या है, द 1-2 एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr विथ 1-3 ब्यूटाडाइन इज फाउंड टू अंडरगो फास्टर देन 1-4 एडिशन। हमें पता है अगर हमारे पास इस तरह से 1-3 ब्यूटाडाइन है और अगर इसके ऊपर अगर हम HBr की रिएक्शन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो इसके 1-2 एडिशन का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक प्रोडक्ट। काइनेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जल्दी फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब काइनेटिक प्रोडक्ट जो है वो जल्दी फॉर्म होता है। और यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन कर दें HBr के साथ तो हमारे पास 1-4 प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इधर H लगेगा इधर Br लगेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1-4 एडिशन का प्रोडक्ट है ये। ये क्या होता है, थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट होता है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट तो करेक्ट बोला है कि द 1-2 एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr विथ 1-3 ब्यूटाडाइन इज फाउंड टू अंडरगो फास्टर, ये वाली रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है, काइनेटिक प्रोडक्ट देती है। रीजन क्या बोल रहा है, द 1-2 एडिशन रिएक्शन हैज़ लार्जर एक्टिवेशन एनर्जी देन 1-4 एडिशन। तो देखो अगर ये वाली रिएक्शन फास्ट हो रही है मतलब इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कम होगी ना, लार्ज कैसे होगी, इसके लिए लार्ज होगी, ठीक है। तो रीजन जो है वो इनकरेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, ए जो है एसर्शन वो करेक्ट है, रीजन जो है वो फॉल्स है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो खत्म होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हैप्पी लर्निंग गाइज़।